नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी तृतीय सेमेस्टर। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग समावेशी शिक्षा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो सीरीज की हमारी पार्ट नंबर 3 है। तो दोस्तों जितने भी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक दोस्तों हमारी वीडियो सीरीज के आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखी हो। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 में हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को डिस्कस किया, पार्ट 2 में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और दोस्तों आज हम पार्ट 3 में लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के लघु उत्तरीय प्रश्नों को। और सबसे पहला प्रश्न क्या रहा हमारा कि समावेशी शिक्षा का हमें अर्थ बताना है। तो चलिए दोस्तों समावेशी शिक्षा का अर्थ देखते हैं। तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सके। यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, और इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा ना कर सके। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या रहा आज का हमारा अगला प्रश्न कि समावेशी शिक्षा के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। पहला दोस्तों देखिए, सभी जाति के बच्चों को शिक्षा की हद में लेना होगा, कार्यशील बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को उचित अवसर देना होगा, ठीक है ना, HIV संक्रमित तथा ऐसे ही ऐसे सभी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ना होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि समावेशी शिक्षा के पूर्ण विकास के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, विद्यालय शिक्षा में समावेशी शिक्षा का अत्यधिक विकास करने के लिए विद्यालय में सुरक्षा, आवास, शौचालय तथा पीने के पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, और साथ ही साथ बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी रचनात्मक क्षमताओं का विकास करना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों के माता पिता से निरंतर संपर्क बनाए रखने चाहिए, ताकि वे उनको बच्चों की उन्नति व अवनति के बारे में बता सके। जहां तक संभव हो प्राथमिक शिक्षा को सर्वत्र सुलभ करना होगा, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करना होगा। भाषागत समस्याओं को ध्यान में रखकर तजनित समस्याओं को त्वरित रूप से दूर करने का प्रयास करना होगा। अतः हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की तरफ अग्रसर होना होगा जो प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सके। फिर आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा कि शैक्षिक समावेशन से आप क्या समझते हैं, उद्देश्यों के हमें यहाँ पर चर्चा करना है। देखिए क्वेश्चन डीएलएड 2018 में पूछा भी जा चुका है, यह समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हमें बताना है। तो समावेशी शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य लगभग समान होते हैं, जैसे देश का विकास, बालकों को उपयुक्त शिक्षा के द्वारा संस्थानों का विकास, नागरिक विकास, समाज का पुनर्गठन तथा व्यवसायिक कार्य कुशलता आदि प्रदान किया जाना चाहिए। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त समावेशी शिक्षा के अन्य उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित है। तो पहला दोस्तों क्या रहा कि शारीरिक अक्षमता वाले बालकों के माता पिता को निपुणता तथा कार्य कुशलताओं के बारे में समझना तथा बालकों के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं कमियों का समाधान करना। दूसरा दोस्तों क्या, शारीरिक विकृत बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा उनका निर्धारण करना। तीसरा पॉइंट दोस्तों, शारीरिक दोष की स्थिति के बढ़ने से पूर्व ही उसे रोकने के उपाय तथा बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियां द्वारा प्रशिक्षण देना। चौथा दोस्तों है कि शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनर्वासन किया जाना चाहिए। पांचवा दोस्तों बिंदु है कि शारीरिक रूप से विकृत बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी एकत्रित करना तथा सुधार के लिए सामूहिक संगठन की तैयारी करना। आज का अगला क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, समावेशी बालकों में क्या विशेषता होनी चाहिए, इसको देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, समावेशी बालक शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक तथा भावात्मक रूप से पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। समावेशी बालकों के गुण तथा स्वरूप सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। तीसरा पॉइंट, समावेशी बालकों का विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। चौथा बिंदु, समावेशी बालकों की समझ की शक्ति अन्य बालकों से भिन्न होती है। पांचवा, एक समावेशी बालक के अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे विद्यालय की कार्य प्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। फिर दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन, समावेशी बालकों के हमें यहाँ पर प्रकार बताने की कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो सभी बालक शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ कमजोर तथा कुछ बलवान होते हैं। कुछ बालकों में सीखने की क्षमता अधिक होती है और वे जल्दी सीख जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार अभ्यास कराकर सिखाया जाता है तथा
इन्हें जो भी पढ़ाया या सिखाया जाता है उसे याद रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। जहां बालकों में आपस में अंतर कम होता है तो शारीरिक रूप से लगभग समान होते हैं, मानसिक रूप से वह भी लगभग औसत वर्ग के होते हैं। उनका सामाजिक व्यवहार भी सामाजिक व्यवस्थाओं तथा मान्यताओं का ही परिधि में होता है। इनमें संप्रेषण करने की क्षमता भी सामान्य मात्रा में होती है। वे सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति में हो तो ऐसे बालकों को सामान्य बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जब वह बच्चा जो अपनी किसी भी शारीरिक अक्षमता, सीखने की अयोग्यता, भावात्मक एवं व्यावहारिक विकारों, बोलने संबंधी विकारों, बौद्धिक निम्नता एवं सृजनात्मकता की कमी की अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं होता है तो उन्हें समावेशी बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों देखिए, ऐसे जो प्रश्न है ना आपके, ये दोस्तों आपके 2 नंबर के पेपर में आते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो बस आप ज्यादा नहीं लिखेंगे कि नहीं तो आपका समय ज्यादा बेकार होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। जितना हो सके दोस्तों आप बनाकर देखिए, बिल्कुल ये नहीं होता कि आप किताब को याद कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ अपने शब्दों में और कुछ किताबी शब्दों में लिखेंगे तो डेफिनेटली आप पूरे अंक पाएंगे। अगला प्रश्न क्या रहा, हमारा राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने समावेशी बच्चों के लिए क्या प्रावधान प्रयुक्त किया, इसको बताना है। सन 1978 ईस्वी में राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने समावेशी बालकों के लिए कुछ प्रावधान प्रयुक्त किए जो दोस्तों निम्नांकित हैं। पहला, समावेशी तथा सामान्य बालकों को एक ही कक्षा में प्रवेश मिलेगा। आवश्यकता के अनुसार विकृत बालकों का विशिष्ट कक्षा में प्रवेश। शिक्षा कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना। विकृत बालकों के लिए पुनर्वास सुविधा देना। समान पाठ्यक्रम लेना तथा आवश्यकता अनुसार विकृत बालकों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना। छठा, दोस्तों पाठ्यक्रम में प्रयोग निर्धारण के लिए शिक्षण विधियों एवं सामग्री का प्रयोग तथा समायोजन करना। सातवां बिंदु, शिक्षण में आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण तथा सामग्री का उपयोग करना। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि विद्यालय में समावेशी शिक्षा प्रदान किए जाने में सहायक अध्यापक की मतलब क्या भूमिका, ये आपको बताना है। 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। तो अधिकांश बाधित बालक विद्यालय तथा समाज में बिना पहचाने रह जाते हैं, चाहे वे स्कूल जाते हैं अथवा नहीं। इनके मतलब इसके परिणाम स्वरूप वे अपनी कार्य क्षमताओं तथा प्रतिभाओं का पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाते हैं। अतः ऐसे बालकों के लिए ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता होती है कि वे बाधित बालकों की पहचान कर सके। ये बालकों के व्यवहार द्वारा उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं। इस प्रकार के बालकों को चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक सहायता दिलाने का प्रयास करना चाहिए। पिछड़े हुए क्षेत्र तथा गाँवों में मनोवैज्ञानिक उपलब्ध नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षा अधिकारियों को समावेशी बालकों के लिए चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक निर्धारण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अध्यापक क्रियात्मक सृजनात्मक निर्धारण कर सकता है और इस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि बालक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे ही बनाकर बढ़िया से आप लिख सकते हैं, 2 नंबर आपको मिलेंगे। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं कि समावेशी बालकों के लिए चलाई जा रही कार्य योजनाओं एवं नीतियों के बारे में दोस्तों आपको बताना है। चलिए दोस्तों सीधे पॉइंट पर आते हैं हम। समावेशी बालकों की योग्यता और अधिक जागृत करने के लिए दोस्तों निःशुल्क व उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा, बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों की शिक्षा का स्वरूप एक समान रखा जाए। अपंग बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाए। दृष्टि बाधित, वाणी बाधित तथा श्रवण बाधित बालकों को जहां तक संभव हो समान बालकों के साथ ही शिक्षा दी जाए। पांचवा पॉइंट दोस्तों, भावात्मक रूप से विकृत तथा प्रतिभाशाली सृजनात्मक बालकों को भी सामान्य बालकों की शिक्षा संस्था में प्रवेश दिया जाए। तो इन यदि दोस्तों इन बालकों को थोड़ा सा संवेगात्मक प्रभाव प्राप्त होगा तो ये बालक भी सामान्य बालकों की भांति अपना जीवन यापन कर सकते हैं। सन 1978 ईस्वी में राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने समावेशी बालकों के लिए कुछ प्रावधान प्रयुक्त किए। तो दोस्तों अभी जो हमने देखा था कि समावेशी तथा सामान्य बालकों को एक ही कक्षा में प्रवेश, आवश्यकता के अनुसार विकृत बालकों का विशिष्ट कक्षा में प्रवेश, शिक्षा कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, विकृत बालकों के लिए पुनर्वास सुविधा देना, समान पाठ्यक्रम लेना तथा आवश्यकता अनुसार विकृत बालकों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना। ठीक है ना दोस्तों, इसको भी हमने देखा था। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बाल मतलब बच्चों की पहचान या लक्षण स्पष्ट आपको यहाँ पर करना है। तो दोस्तों आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों सामान्य मतलब बच्चे जो सामान्य बच्चों से विशिष्ट लक्षणों वाले होते हैं, सामान्य बच्चों में पाए जाने वाली निम्नलिखित विशिष्ट प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। यह दोस्तों अंतर्मुखी हो गई, निराशावादी, सांवेगिक, स्थिर, शर्मीले, निष्क्रिय, आत्म केंद्रित होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, निर्भर प्रवृत्ति होते हैं, कभी कभी उग्र एकाकी भावना वाले होते हैं। इनकी पहचान दोस्तों निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। देखिए आप हेडिंग से याद रखिएगा, पहले निरीक्षण द्वारा पहचान करना, तो इसको आप बना कर लिख सकते हैं अगर आपको हेडिंग याद है। दूसरा दोस्तों आपका चिकित्सीय परीक्षण द्वारा पहचान कर सकते हैं। तीसरा, मानसिक परीक्षण द्वारा पहचान की जा सकती है। चौथा, आपका शैक्षिक परिणामों के द्वारा पहचान की जा सकती है।
पांचवा आपका व्यवहार के अवलोकन के द्वारा पहचान करना। छठा दोस्तों समाज समाज मिति एवं साक्षात्कार मतलब साक्षात्कार या इंटरव्यू के दोस्तों द्वारा आप इसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना, साक्षात्कार। अगला प्रश्न क्या रहा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार बताइए। यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विशिष्ट बालकों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, उदाहरण से आपको समझाना है, ठीक है ना। सामान्य बच्चों से विभिन्नता रखने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे आपस में भी विभिन्नताएं मतलब विभिन्न असमानताएं रखते हैं। कुछ बच्चे सीखने की नियोग्यताओं के कारण, कुछ बौद्धिक क्षमताओं के कारण तथा कुछ असामान्य शैक्षिक उपलब्धि के कारण विशिष्ट आवश्यकता वाले होते हैं। सामान्यतः उन्हें हम निम्नलिखित प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बारी आती है आपके सामान्य बच्चों के प्रकार। तो पहला पॉइंट रहा शारीरिक रूप से भिन्न। तो शारीरिक रूप से भिन्न में देखिए, सांवेदिक रूप से बाधित होते हैं, गतीय बाधित होते हैं, बहुल बाधित। दूसरा दोस्तों शैक्षिक रूप से भिन्न में, शैक्षिक रूप से समृद्ध, शैक्षिक रूप से पिछड़ा, सीखने की नियोग्यता और संप्रेषण बाधित। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा सामाजिक रूप से भिन्न में, सांवेगिक रूप से परेशान बच्चे, असमायोजित बच्चे, वंचित बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, बाल अपराधी, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बच्चे। चौथा दोस्तों है मानसिक रूप से भिन्न में, प्रतिभाशाली बच्चे, सृजनात्मक बच्चे और मंदबुद्धि बच्चे। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक विभिन्नताएं होती है, आपको ये बताना है। तो देखिए सामान्य बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है वो 90 से लेकर 100 के बीच होता है। मानसिक विभिन्नता का कारण वंशानुक्रम भी हो सकता है। सामान्य बालक पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। पोषण की मानसिक भिन्नता का आधार है। मानसिक विकास व्यक्तिगत विभिन्नता पर भी आधारित होता है। मानसिक भिन्नता के अन्य कारण बुद्धि, आयु, खेल एवं व्यवहार, प्रजाति, परिवार में स्थान आदि है। अगला प्रश्न क्या रहा, प्रतिभाशाली बच्चे किसे कहते हैं, परिभाषा द्वारा आपको स्पष्ट करना है। तो सीधे दोस्तों देखते हैं अब्दुल रऊफ के शब्दों में, देखिए प्राय उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है। अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखिएगा, परिभाषा आपको समझ में आ गई और कुछ दोस्त इसकी डिफिनेशन भी समझ लेते हैं। परिभाषा तो हो गई हमारी। देखिए जो बच्चे सामान्य बच्चों से किसी भी प्रकार से अलग होते हैं वे विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में आते हैं। विशिष्ट बच्चे आपस में कई उप श्रेणियों में विभक्त होते हैं। यथा दोस्तों आपका मानसिक मंदित हो गया, समस्यात्मक, पिछड़े, चलन बाधित, प्रतिभाशाली, ठीक है ना, ये सब हो गया। अब दोस्तों देखते हैं, इसकी हमने परिभाषा भी देख ली। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे की जाती है, अब इसको देखते हैं। तो देखिए प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको या तो बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हेतु अध्यापकों के द्वारा कई बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं। यह परीक्षण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों हो सकता है आपका शाब्दिक तथा अशाब्दिक परीक्षण, दूसरा व्यक्तिगत तथा सामूहिक परीक्षण। फिर दोस्तों उसके बाद दोस्तों हम ये कर सकते हैं, निष्पत्ति परीक्षण किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों हम अभिरुचि परीक्षण कर सकते हैं। तो देखिए सब हेडिंग्स आप याद रखेंगे तो उसके अंदर का आप डेटा थोड़ा बहुत अपने आप से लिख सकते हैं। चौथा दोस्तों हमारा बिंदु आता है कि सब संबंधित बालकों की सूचना है, जी हाँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम कर सकते हैं आपके अवलोकन विधियां हो सकती है, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया। छठा है दोस्तों बालकों के गुणों के आधार पर पहचान, जी हाँ दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उससे पहले दोस्तों हम आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ बता देते हैं। देखिए जो बालकों के गुणों के आधार पर पहचान होती है ना, यह बालक कक्षा में किए गए कार्यों को समझते हैं, यह बालक किए गए कार्यों को सुगमता से याद रखते हैं, यह सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते हैं और यह कठिन कार्यों को भी सुगमता से कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे बनाकर लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या आता है कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, इसको देखते हैं। तो दोस्तों देखिए प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, तो सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता होनी चाहिए, विशेष एवं समृद्ध पाठ्यक्रम से अंतर्गत शिक्षा होनी चाहिए, असामाजिक आदतों को रोकना होगा, सर्वांगीण विकास पर बल हो, संस्कृति की शिक्षा हो, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा हो, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, सामाजिक अनुभवों के अवसर देना, नेतृत्व का परीक्षण देना, शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्रोत्साहन प्रदान करना, श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण होना चाहिए, बच्चों की रुचि के अनुसार प्रिय कार्य देना, पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, इसको देखते हैं। डीएलएड 2017 का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों हेविंग हर्ट्स ने कहा है, क्या कहा है उन्होंने, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। इनको समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, सर्वांगीण विकास पर बल, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, सामाजिक अनुभव के अवसाद, नेतृत्व का प्रशिक्षण होना चाहिए तथा समय समय पर विशेष या निर्देशन या परामर्श इत्यादि के अवसर मिलने चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है धीमी गति से सीखने, ठीक है ना, के कौन से कारण हो सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों इसके कारण देखते हैं। पहला दोस्तों हो सकता है आर्थिक परिस्थिति या गरीबी, परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर हो सकता है, संवेगात्मक घटक हो सकता है, व्यक्तिगत घटक। अब देखिए धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं कौन कौन सी होती है। पहला दोस्तों आपका ज्ञानात्मक अधिगम समस्या है, भाषा एवं वाणी की समस्या है, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या है, सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्या है। अगला प्रश्न क्या रहा, अपवंचित बालक से आप क्या समझते हैं, इसको आपको बताना है। तो इसका चलिए पहले हम अर्थ देखते हैं। जन्म के उपरांत ही बालक निरंतर विकसित होता है, यह विकास वंशानुक्रम के प्रभाव के अंतर्गत वातावरण के आधार पर होता है। वातावरण का गुणात्मक प्रभाव बालक के विकास में सहायक होता है। प्रत्येक बालक का अधिकार है कि वह अपना विकास प्राप्ति मतलब प्राप्त अभिवृत्ति और योग्यताओं की सीमा तक करें, और शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक का विकास पूर्णता हो। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालक से कम होते हैं। देखिए फिर देखिए एक बात और समझ लीजिए, जिस बालक को अपनी प्रगति हेतु अपने समाज में न्यूनतम सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती है, वह सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित ठीक है बालक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सुविधा वंचित बालकों का आकलन हम किस प्रकार करेंगे, इसको देखिए। सबसे पहले दोस्तों हम पारिवारिक दृष्टि से करेंगे, दूसरा है बालकों की व्यक्तिगत कमियों की दृष्टि से, फिर दोस्तों उनके परिवार के सदस्यों की सामाजिक स्थिति के दृष्टि से। अब दोस्तों बात होगी पारिवारिक दृष्टि से क्या है, जिन बच्चों को अन्य बालकों की तुलना में, पहला दोस्तों पॉइंट है आपका पारिवारिक प्रेम हो गया, दूसरा है दोस्तों उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर, तीसरा पॉइंट है किसी भी प्रकार की कठिनाई को दूर करने हेतु उचित सहायता, चौथा दोस्तों है अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, पांचवा है कि पढ़ने लिखने के लिए उचित वातावरण, छठा है अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन आदि कम मिल पाते हैं, वे सुविधा वंचित है। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, सामाजिक रूप से वंचित बालक कौन से, इसको देखें। तो सीधे दोस्तों पॉइंट्स पर आते हैं। पहला दोस्तों सामाजिक रूप से निम्न मतलब जाति वर्ग या धर्म के आधार पर होता है। दूसरा दोस्तों सांस्कृतिक स्तर से निम्न होते हैं, घर का बिगड़ा माहौल व सुविधाओं का अभाव होता है, पड़ोस व सभी साथियों का दुष्प्रभाव होता है, संवेगात्मक रूप से अस्थिर। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, आर्थिक रूप से वंचित बालक कौन से, इसको देखिए। पहला दोस्तों गरीबी व आर्थिक असमानता के कारण आर्थिक रूप से निम्न होते हैं, परिवार में खाने व रहने का अभाव होता है, विद्यालय जाने में असमर्थ व विद्यालय की फीस ना दे पाना, धन के अभाव में उच्च आकांक्षा रखने वाले। अगला क्वेश्चन क्या रहा, शैक्षिक स्तर से वंचित बालक कौन से, इसको समझाना है ठीक ना। पहला दोस्तों पॉइंट निम्न शैक्षिक उपलब्धि होती है, दूसरा अंतर्मुखी व संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, तीसरा बिंदु आत्म प्रेम व प्रदर्शन की भावना प्रबल होती है, चौथा समस्या का समाधान नहीं कर पाते, पांचवा असुरक्षा की भावना से पीड़ित तथा विद्यालय में समायोजित नहीं होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, पिछड़े बालक पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। पिछड़े बालक जो छात्र निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करने में असफल रहते हैं और सामान्य छात्रों से पीछे रहते हैं, इन्हें हम पिछड़े बालक के नाम से पुकारते हैं। अब बात आती है पिछड़ा हुआ या बैकवर्ड कौन है। पिछड़े का शाब्दिक अर्थ होता है अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रह जाना, परंतु शिक्षा के संबंध में इसका अर्थ है कि छात्र जब अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में ना होकर उससे पीछे रहता है तो उसे हम पिछड़ा हुआ बालक कहते हैं, चाहे वह अपनी कक्षा में कितना ही होशियार क्यों ना हो। इस दृष्टि से एक 10 वर्षीय बालक यदि तीसरी कक्षा में पढ़ता है तो हम उसे पिछड़ा हुआ कहेंगे, भले ही वह अपनी कक्षा में सबसे होशियार क्यों ना हो। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, बच्चों के पिछड़ेपन का प्रकार आपको बताना है। तो क्या क्या होता है दोस्तों, देखिए पिछड़ापन मूलतः आपको दो प्रकार का होता है, एक तो पहला व्यक्तिगत होता है इंडिविजुअल और सामूहिक या ग्रुप में, जहां कक्षा में कुछ छात्र पिछड़े हुए हैं और उनके पिछड़ेपन का कारण भी अलग अलग होता है, तो वह पिछड़ापन व्यक्तिगत होता है, परंतु जहां कक्षा के अधिकतर छात्र पिछड़े हुए हैं और उनके पिछड़ेपन का कारण भी समान हो वहां पिछड़ापन दोस्तों क्या कहलाता है, आपका सामूहिक कहलाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, निरीक्षण द्वारा शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान आप कैसे करेंगे, आपको ये बताना है। तो चलिए दोस्तों सीधे हम पॉइंट्स पर आते हैं। पहला पॉइंट है कि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों अथवा उनके सामने रखी गई समस्याओं का समाधान कौन से बालक की सीमा तक कर पाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, कक्षा में विषय को पढ़ाते समय उससे संबंधित बातों को पढ़ाए जाने में कौन सा बालक कितना अधिक भाग लेता है। तीसरा दोस्तों बिंदु होगा कि उसका ध्यान पाठ पर है या अन्य कहीं। चौथा, समय समय पर ली गई साप्ताहिक मासिक त्रैमासिक अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं में उसे सामान्य से अधिक अंक मिले हैं या कम, ये होगा। पांचवा दोस्तों बिंदु होगा कि कक्षा में किसी बात का उत्तर देने के लिए उत्साहित होता है या नहीं होता, यह देखने के पश्चात दोस्तों यह देखिए कि वह बालक कक्षा में कार्य करने में असमर्थ है, कोई बात उसकी समझ में देर से आती है, सामान्यता हीन भावना से दबा रहता है। चौथा दोस्तों किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं करता है। और पांचवा, पढ़ाई में रुचि नहीं लेता। तो दोस्तों आप ये सब चीजें देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आज का अगला प्रश्न क्या रहा,
और एक और बताते हैं, अगर आपको ये सब लक्षण मिल जाता है तो समझ लीजिए वह छात्र पिछड़ा हुआ है, और यदि उपरोक्त बातें कक्षा के अधिकतर छात्रों में पाई जाती तो दोस्तों वह कक्षा भी पिछड़ी हुई कही जाएगी। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं, इसको देखते हैं। पहला दोस्तों हमारा बिंदु रहा अध्यापक शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर पहचान कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे बालक प्राय शारीरिक रूप से अयोग्य होते हैं। तीसरा बिंदु, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। चौथा, बुद्धि लब्धि द्वारा पहचान की जा सकती है, इस तरह से की गई पहचान सही होती है। पांचवा दोस्तों बिंदु, शैक्षिक तथा शारीरिक आलेख पत्र, ठीक है ना, भी सहायक हो सकते हैं। छठा बिंदु दोस्तों, व्यक्ति वृत्त अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों देखिए, मानसिक पिछड़ेपन के कुछ आधार इस प्रकार भी हो सकते हैं दोस्तों। आपका शैक्षिक हो सकता है कि ऐसे बालक सूक्ष्म चिंतन के योग्य नहीं होते, शैक्षिक मतलब क्षमता में वो अपने समूह आयु समूह से बहुत नीचे होता है। दूसरा दोस्तों, सामाजिक सामाजिक अवसर में कुशल नहीं होते हैं, व्यक्तिगत व सामाजिक उत्तरदायित्व को नहीं वह वहन कर पाते हैं। फिर दोस्तों बारी आती है आपकी व्यवहारिक, अधिगम की क्षमता कम होती है और संवेदनात्मक दोष होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा है, परीक्षण द्वारा पिछड़ेपन की पहचान आप किस प्रकार की जा सकती है, आपको यह बताना है। देखिए, परीक्षण द्वारा पिछड़ेपन की पहचान, जिस प्रकार प्रतिभा संपन्नता की पहचान हमने बुद्धि लब्धि को माप कर की थी, उसी प्रकार पिछड़ेपन की पहचान के लिए हमें विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि को मापना होगा। शैक्षिक लब्धि दोस्तों एजुकेशनल क्वोटेंट, विद्यार्थी के आयु के अनुरूप सभी विषयों में उसकी उपलब्धि का औसत है, अर्थात शैक्षिक दृष्टि से बालक या विद्यार्थी के अर्जन को ही शैक्षिक लब्धि कहते हैं। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने के दोस्तों जो सूत्र होता है आपका EQ बराबर शैक्षिक आयु, ठीक है ना, एजुकेशनल एज अपान में वास्तविक आयु होता है, गुणे 100, ठीक ना दोस्तों, आपका EA अपान CA गुणे 100। इसमें वास्तविक आयु जो जन्म तिथि से ज्ञात की जा सकती है। शैक्षिक आयु निकालने का सूत्र नीचे दिया गया है, ठीक है। शैक्षिक आयु दोस्तों कैसे निकालेंगे, विभिन्न विषयों में साफल्य माइनस आयु का योग बटे में दोस्तों आपको होता है कुल विषय, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपको जो सफल आयु को भी समझने की आवश्यकता होती है, सफल आयु को समझने के लिए की दृष्टि से आयु के अनुसार बच्चे की शैक्षिक दृष्टि से उपलब्धि क्या होनी चाहिए, इस संबंध में प्रत्येक आयु वर्ग के लिए साफल्य परीक्षण मतलब तैयार किए गए। इस इन परीक्षण में कोई बालक जितने अंक प्राप्त करता है, उतने अंक जिस आयु के विद्यार्थी के आने चाहिए वही उसकी शैक्षिक आयु या एजुकेशनल एज कहलाएगी। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, हल कीजिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका DLED 2017 में पूछा गया है। तो बुद्धि लब्धि का दोस्तों जो फार्मूला होता है सिंपल सा, मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु होता है, ठीक है, गुणे 100। तो देखिए शारीरिक आयु मतलब दोस्तों, देखिए चूंकि मानसिक आयु यहाँ पर ज्ञात नहीं है, अतः मानसिक आयु को भी वास्तविक आयु माना जा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि बराबर हो जाएगा 10/10 गुणे 100, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शारीरिक आयु दी गई थी, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 100। अगला प्रश्न है कि एक पिछड़े बालक में क्या विशेषता होती है, इसको आपको समझाना है। तो इसकी चलिए विशेषता दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कुंप इस स्वामी, ठीक है ना, कुंपू स्वामी के अनुसार पिछड़े बालक में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। सबसे पहले दोस्तों क्या विशेषता है कि सीखने की धीमी गति होती है, जीवन में निराशा का अनुभव होता है, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति होती है, व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति होती है, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है, सामान्य विद्यालय में पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थता होती है, ठीक है ना, काफी दोस्तों छेटो। अगला प्रश्न देखते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे करें, विस्तार से इसको समझाना है। तो विशिष्ट बालक की आम अवधारणा यह है कि वह सामान्य होते हुए भी प्राय असामान्य गुणों से युक्त होता है, व्यक्तिगत भिन्नता ही विशिष्टता का आधार है, ठीक ना। मनोवैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया है कि कोई भी दो बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनमें समानता के साथ साथ कुछ भिन्नताएं होती हैं जो उन्हें अन्य बालकों से अलग करती हैं। तो दोस्तों देखिए, एक बालक शारीरिक रूप से समान होने पर भी मानसिक रूप से भिन्न हो सकता है। अब दोस्तों देखिए, विशिष्ट बालकों के प्रकार, तो इसको निम्नलिखित भाग मतलब वर्गों में बांटा जा सकता है दोस्तों। पहला आता है आपका प्रतिभाशाली बालक, दूसरा आपका कि मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक होते हैं, पिछड़े बालक हो गए, शारीरिक विकलांग बालक, अपवंचित वर्ग के बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक, सृजनात्मक बालक, खिलाड़ी बालक, अधिकम निर्योग्य बालक, कुछ मतलब कुसमायोजित बालक, तिरस्कृत बालक और सुविधा वंचित बालक। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, अस्थिबाधित बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जा सकती है। देखिए, अस्थिबाधित बालकों की शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ विशिष्ट सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। भारत में श्रवण उद्दीपन ही शिक्षण का आधार है। अस्थिबाधित बच्चों के लिए खेल विधि, आगमन व निगमन विधि,
ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि व किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, इकाई योजना विधि द्वारा शिक्षा दी जा सकती है। ऐसे बच्चों की शिक्षा को निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया जा सकता है दोस्तों। पहला आता है आपका उपचार सुविधाएं प्रदान कर, प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्यों, विशेष कक्षाओं के आयोजन द्वारा, अतिरिक्त कक्षा के सृजन से, विशेष विद्यालयों के निर्माण से। ठीक है दोस्तों, 5 काफी है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थिबाधित बालकों की समस्या बताइए तथा इनकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। या दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि शारीरिक अक्षमता या विकलांगता को आपको परिभाषित करना है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपको 2 बार पूछा गया है। ठीक है ना, अस्थिबाधित बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी अस्थियां या अस्थियों के जोड़ अथवा शरीर में विभिन्न मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं। उनका कार्य करने की मात्रा इतनी कम होती है कि उन्हें कृत्रिम रूप से हाथ या पैर की आवश्यकता पड़ती है। कुछ बच्चे मस्तिष्क के ठीक प्रकार के कार्य न करने के कारण शारीरिक हाथ पैर से कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। हम अस्थिबाधितों के संबंध में निम्नलिखित परिभाषा से जान सकते हैं। देखिए, अस्थिबाधित बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनकी एक या एक से अधिक हड्डियों में घोष आ गया हो या क्षतिग्रस्त हो गई हो, जिससे दो सामान्य बच्चों की भांति शारीरिक अभ्यास करने में असमर्थ हो गया हो। इससे बच्चों की मांसपेशियां तथा जोड़ों अथवा अस्थियों में किसी कारण से दोष आ जाता है। ठीक है ना, इसके दोस्तों इसकी जो समस्या है उसको जरा देखते हैं। अस्थिबाधित बच्चों की समस्या क्या क्या होती है। शारीरिक दृष्टि से बाधित बच्चे सामान्यतः मानसिक दृष्टि से सामान्य व सामान्य से अधिक होते हैं। ठीक है ना, यह पोलियो तथा अन्य रोगों से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। शोध अध्ययनों से ज्ञात होता है कि ऐसे बच्चे सामान्य बच्चों से उत्तम होते हैं, परंतु इन बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न प्रकार की होती है। इनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे कृत्रिम अंगों के साथ अनुकूलन या समायोजन करना इनकी बड़ी समस्या होती है। शैक्षिक अनुदेशन में तकनीकी के प्रयोग से इनकी समस्या कम हुई है। शारीरिक रूप से बाधित बच्चे क्रियाशील कम होते हैं, ये अपने एकाग्र भी कम समय के लिए कर पाते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों जरिए आज के कुछ हम अस्थिबाधित में निम्नलिखित 8 प्रकारों का वर्णन चिकित्सा विज्ञान में किया गया, इसको जरा दोस्तों देखते हैं। पहला दोस्तों आता है आपका लूले, लंगड़े या हथकटे, एक या एक से अधिक अंगों का लकवा, पावा फिरा, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब, मस्तिष्कीय पक्षाघात, मेरुदंडीय दिशामुखी और मांसपेशियां असमर्थता। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, बाल अपराध के प्रमुख कारण आपको बताना है। ठीक है ना, बाल अपराध के कारण, देखिए बाल अपराध के सामान्यतः वे ही कारण है जो बालकों को विपरीत दिशा में सोचने के लिए बाध्य करते हैं। इन कारणों के अपने अपने क्षेत्र होते हैं, कभी दोस्तों ये आर्थिक होते हैं तो कभी ये सामाजिक। आर्थिक या सामाजिक क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव ही इन अपराधों के मूल में निहित होता है। कुछ ऐसे भी कारण हो सकते हैं जो एक क्षेत्र में विशेष, मतलब एक क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में रहने वाले पनपी विचारधारा के कारण होते हैं। जैसे दोस्तों चोरों के बीच चोरी करना आप सीख जाएंगे, शराबियों के मध्य रहकर आप मद्य या शराब का सेवन करना आदि। यह अपराधी वृत्ति सामान्य तथा कुसंगति के कारण पनपती है। इस प्रकार बाल अपराध के मूल कारण सामान्यतः दोस्तों हो सकता है कि आपकी घरेलू परिस्थितियां, पाठशाला या घर का प्रतिकूल वातावरण, कुसंग हो सकता है, दूषित वातावरण, बालकों की इच्छाओं का दमन होता है, बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, सांवेगिक स्थितियां आदि होते हैं। अब दोस्तों देखिए, जैसे घरेलू परिस्थितियां में क्या क्या हो सकता है, जैसे घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होना, माता पिता का बालक के प्रति व्यवहार अच्छा ना होना, घर में सौतेली माँ का होना, माता पिता के पारस्परिक झगड़े होना, बच्चे को ठीक है ना लाडला होना और उसकी हर इच्छा की पूर्ति किया जाना आदि। पाठशाला का प्रतिकूल दोस्तों कैसे हो सकता है, जैसे कि पाठशाला में उपयुक्त साधनों का अभाव, बालकों की इच्छाओं का दमन किया जा रहा हो, बालकों पर अनावश्यक दबाव बनाया जाए, शिक्षकों और अमानुषिक व्यवहार या आदि कारण हो सकते हैं। कुसंग में दोस्तों जैसे आ सकता है आपका, बालक का ऐसे व्यक्तियों या बालकों के साथ में रहना जिनकी आदतें ठीक नहीं है अथवा वे स्वयं अपराधी हैं, माता पिता द्वारा बालकों बालक की क्रिया या उचित या अनुचित पर ध्यान ना देना। ठीक है ना, फिर उसके बाद दूषित वातावरण में देखते हैं, बालकों पर सिनेमा का प्रभाव पड़ता है, आधुनिक परिवर्तनों का प्रभाव, नैतिक शिक्षा का अभाव। फिर देखिए दोस्तों बालकों की इच्छाओं का दमन, जैसे हो सकता है कि बालकों की पुस्तक संबंधी आवश्यकता हो सकती है, खेलने की वस्तुओं का अभाव, आजकल दोस्तों आपको पता है मोबाइल फोन का अभाव हो सकता है कि खाने की वस्तुओं का अभाव। फिर अगली बात आती है संवेगात्मक स्थितियां, इनमें देखिए समाज के व्यवहार से दुखी होना, बहुत से डकैत इसी प्रकार बनते हैं। दूसरा दोस्तों समाज में निम्न स्थिति के कारण आत्महीनता का अभाव भाव होना। देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको 2 नंबर के पेपर में आते हैं, तो उसी हिसाब से आपको लिखना होगा, नहीं तो आप ज्यादा समय यहाँ पर देंगे तो आपके कुछ और क्वेश्चन छूट सकते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या रहा, समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय आपको ये बताना है। देखिए समस्यात्मक बच्चों से हमारा तात्पर्य उन बालकों से जो परिवार एवं कक्षा वह विद्यालय में भली मतलब भांति भांति की समस्या उत्पन्न करते हैं। ऐसे बच्चे को का व्यवहार
सामान्य प्रकार के बच्चों से भिन्न होता है। ये वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे अपने अध्यापकों के लिए समस्या बने रहते हैं। समस्यात्मक बालक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे चोरी करने वाले बच्चे हो सकते हैं, झूठ बोलने वाले बच्चे, क्रोध करने वाले बच्चे, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे, गृह कार्य न करने वाले बच्चे, कक्षा में देर से मतलब आने वाले बच्चे आदि हो सकते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों और आप बना के इसमें बढ़िया लिख सकते हैं। तो थोड़ा हम बैलेस्टाइन के द्वारा देख लेते हैं। देखिए, समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होता है कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, समस्यात्मक बच्चे कौन होते हैं और इनकी पहचान आप कैसे करेंगे, बिंदु बार आपको समझाना है। समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जो अनुशासनहीन तथा असमान समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार एवं समायोजन सामान्य बालकों से अलग होता है। बस इनकी पहचान दोस्तों हम कैसे करते हैं, इसको देखिए। यदि बच्चों में व्यक्तिगत या स्कूल की समस्याओं के प्रति शारीरिक लक्षणों या दर्द या अन्य विभिन्न तरह के डर के रूप में समाधान करने की प्रवृत्ति अधिक हो। दूसरा, यदि बच्चे में समानता परिस्थितियों में भी उपयुक्त व्यवहार किया जाता है। तीसरा, यदि बच्चे में सीखने की ऐसी अक्षमता हो जिसकी बौद्धिक आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती है। और दोस्त एक और देख लेते हैं कि यदि बच्चों में अपने साथियों एवं शिक्षकों के साथ संतोषजनक अंतर व्यक्तिगत संबंध बनाने एवं कायम रखने की अक्षमता हो। पांचवा दोस्त, यदि बच्चों में समानता दुख या उदासी की प्रधानता रहती हो। अब इनकी हम पहचान कैसे करेंगे, देखिए। निरीक्षण विधि का प्रयोग करके साक्षात्कार द्वारा अभिभावकों, शिक्षकों तथा मित्रों से वार्तालाप करके, कथात्मक अभिलेख, संचयी अभिलेख के द्वारा और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा। अगला प्रश्न क्या रहा कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषता आपको बतानी है। तो चलिए इनकी विशेषता हम देखते हैं। देखिए, वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि औसत से कम होती है, वह सभी मतलब वह भी उन विकास प्रतिमानों का अनुसरण करते हैं जिनका IQ उच्च स्तर का होता है। इनकी एक विशेषता यह होती है कि वह अपने सम आयु वाले साथियों की तुलना में अपरिपक्व प्रतीत होते हैं। इनमें कम आत्मविश्वास और निम्न स्तर की आत्म प्रतिष्ठा हो सकती है। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा हेतु सुझाव आपको देना है। देखिए, ऐसे सुझाव देने वाले क्वेश्चन है ये, आप तो आराम से 2 नंबर का लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको एक बता देते हैं, बाकी आप बना कर लिख सकते हैं। देखिए, जो धीमी गति से सीखने वाले को वैसी स्थिति में नहीं रखना चाहिए जहाँ उनमें विफलता की भावना विकसित होने की संभावना हो। उन्हें वही कार्य दे जिनको करने में उनमें योग्यता हो। ठीक है ना। फिर अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं कि दृष्टिबाधित बालकों का वर्गीकरण करिए। एक बार दोस्तों और आपको बताते हैं, जब आपके लघु उत्तरी प्रश्न चले तो आप बना कर लिखने की अगर आपके अंदर कला नहीं है तो दोस्तों आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते पेपर में। ठीक है ना। तो दृष्टिबाधित का दोस्तों जरा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों वर्ग स्तर होता है आपका, ठीक है ना। वर्ग द होता है, वन होता है, वर्ग टू होता है, वर्ग थ्री होता है, उत्तम आंक, क्षतिपूर्ण आंक होता है दोस्तों, और बाधिता का प्रतिशत 6/6, 9 दोस्तों 6 से 18 मतलब 6/24 दोस्तों होगा और 6/36 होगा। बाधिता का प्रतिशत 20% होगा और 6/18, 6/36 में दोस्तों 6/60 से 0 40% दोस्तों बाधिता, 6/36 और 6/60 और क्षतिपूर्ण दोस्तों आंक मतलब 3 से 60 से लेकर 0 तक मतलब 75% बाधित हो गया। 1 से लेकर 200 तक मतलब दृष्टि क्षेत्र 100 और 100% दोस्तों यहाँ पर बाधिता का प्रतिशत होगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि बाधित बाल की पहचान आप कैसे करेंगे। तो भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने 1987 में दृष्टि बाधितों की परिभाषा देते हुए कहा कि यह वह बालक होते हैं जो कि अपनी पूर्ण दृष्टि लुप्त कर चुके हैं। दृष्टि बाधिता 6/60 या 20/200 से अधिक ना हो तथा चश्मे का प्रयोग एक आंख हेतु मतलब उत्तम हो। दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो तथा 20 डिग्री का कोण या इससे कम पर बनता हो। ठीक है ना। तो ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि एक अध्यापक दृष्टि बाधित बालक की पहचान कैसे करेगा। तो सीधे 200 पॉइंट्स पर हम आते हैं कि यह बालक अक्सर सिरदर्द की शिकायत करते हैं, यह बार बार आंखों को मलते हैं, आंखों को लगातार पानी बहता रहता है। जब यह वस्तुओं को दूर से देखते हैं तो इनके शरीर में तनाव रहता है, कभी कभी इनके आंखें लाल हो जाती है। ठीक है ना, काफी हो गया। फिर अगला प्रश्न, दृष्टि बाधितों की मानसिक योग्यता उनकी एक विशेषता है, समझाना है आपको। ठीक है ना। दृष्टि बाधित बालक वह होते हैं जो कि अपने आंखों से ठीक प्रकार से नहीं देख पाते हैं। यह बाधित बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। शोध तथा अनुसंधान कार्यों में यह पता चला है कि इन्हें समुचित शिक्षा दी जाए या शिक्षा का अवसर मिल सके तब इनकी बुद्धि लब्धि अचानक बढ़ जाती है। देखिए, यह बालक किसी वस्तु की दूरी को नहीं समझ पाते क्योंकि वे दूर से मतलब दूरी को देख नहीं सकते हैं, अतः इनकी दूरी का प्रत्यय विकसित नहीं हो पाता। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, दृष्टि बाधितों को बेल में गणितीय कोड द्वारा किस प्रकार आप सिखाएंगे, समझाइए। दृष्टिबाधित छात्रों को द्वारा मतलब गणित सीखने के लिए ब्रेल में गणितीय कोड की आवश्यकता को अग्र बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।
पहला दोस्तों बिंदु क्या है आपका कि घड़ी सीखने के अन्य उपकरण जैसे आपका आता अबेकस तथा टेलर फ्रेम की तुलना में गणितीय ब्रेल कोड की सहायता से सीखा हुआ ज्ञान अधिक समय तक रह सकता है क्योंकि इसे लिखित रूप में संयोजा जा सकता है। ठीक, याद रखिए दोस्तों आपका कौन सा कोड है, ये ब्रेल कोड है, इसको जरा ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए परीक्षा के उद्देश्य से प्रश्न पत्र बनाने तथा प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए गणितीय ब्रेल कोड उपयोगी है। गणित की ब्रेल पुस्तक तैयार करने के लिए गणितीय ब्रेल कोड का ज्ञान आवश्यक है। प्रश्नों को लिखते तथा उन्हें हल करते समय भाषा विस्तार करने के लिए गणितीय ब्रेल कोड की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, अगला प्रश्न अब देखते हैं। मानसिक अंकगणित सिखाने के लाभ बताना है। पहला बिंदु दोस्तों सीधे देखते हैं, मानवीय मस्तिष्क का आधिकारिक, ठीक है ना, अधिकाधिक प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। गणना करने की गति में वृद्धि होती है। छात्रों की रचनात्मक ध्यान लगाने तथा ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाना, छात्रों में विश्वास बढ़ना मतलब बढ़ता है, छात्रों में गणित की मजबूत नींव पड़ती है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, दृष्टि के बाधितों की भाषा का विकास भी उनकी विशेषता है, इसको आपको समझाना है। तो दृष्टि बाधित बालक भाषा दोषी नहीं होते, यह ठीक प्रकार से सुन तथा बोल सकते हैं। यह सुनना तथा बोलना भी भाषा के प्रमुख कौशल होते हैं। मुख्य रूप से भाषा को ही संप्रेषण का माध्यम माना जाता है, परंतु अंधे बालकों का सीखने का तरीका अन्य बालकों से पूर्णतः भिन्न है क्योंकि सामान्य बालक देखकर सीखते तथा दृष्टिबाधित बालक इस प्रकार के अनुभव से वंचित रहते हैं। यह सिर्फ शब्दों से ही अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, न कि इंद्रियों के माध्यम से। दृष्टिबाधित बालक सुनकर ही शब्दों का चयन करते हैं क्योंकि इनकी दृष्टि इंद्रिय क्रियाशील नहीं होती है। ठीक ना दोस्तों, वाक्य बना के लिख दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, वाक् दोष कितने प्रकार के होते हैं, इसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो दोस्तों वाक् दोष आपके निम्न प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों आपका आता है कि प्रक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोष। ठीक है, तो यह बालक वह होते हैं जो कि शब्द उच्चारण दोष से ग्रसित होते हैं। यह दोष ऐसा होता है कि जिसमें बालक शब्द का एक अक्षर बोलते हैं तथा दूसरा भूल जाते हैं। जैसे दोस्तों कौवा को सिर्फ कौ कह देते हैं, कभी कभी दोस्तों यह बालक एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि गलत बोलते हैं। जैसे दोस्तों कौवा को कहते हैं कि तौवा, ठीक ना, तौवा कर दे कौवा को तौवा, तो कभी कभी दोस्तों यह ध्वनि को टेढ़ा करके बोलते हैं। यह प्रक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोष है। प्रक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोष के निम्नलिखित दो मुख्य कारण है। पहला दोस्तों आपका आता त्रुटिपूर्ण अधिगम, दूसरा आता आपका अंगीय दोष। फिर दोस्तों उसके बाद दूसरा नंबर हम देखते हैं हकलाना। जी हाँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ये था वाक् दोष के कारण हकलाना। दोस्तों आप इसको बना के लिख सकते हैं। देखिए हकलाना एक वाणी दोष है, परंतु 1,000 बालकों में से सिर्फ 8 से 10 बालक ही इस समस्या से पीड़ित होते हैं। फिर दोस्तों अगला, इसे हकलाने दोस्तों क्या हो सकता है, देखिए इसके दो कारण माने जाते हैं। एक तो आपका वंशानुक्रम हो सकता है और एक वातावरण हो सकता है। फिर तीसरा दोस्तों आता है आपके आवाज की समस्या। ठीक है ना, देखिए आवाज की समस्या को दोष नहीं माना जाता, पर इसे समस्या का नाम दिया गया। इस विषय में कर्टिस ने कहा है कि इस्टीमेट वेरी बट प्रॉब्लम फॉर 1 to 2, ठीक है ना, 2% ऑफ स्कूल चिल्ड्रन प्रेजेंट सिग्निफिकेंट वॉइस प्रॉब्लम। देखिए आपकी आवाज की समस्या 3 प्रकार की होती है। पहला दोस्तों आता है आपका कि एक स्वर में बोलना दोषपूर्ण होता है, अर्थात बालक या तो बहुत ऊंचा बोलता है या तो स्तर से एकदम नीचे होकर बोलता है, अर्थात उसका स्वर दोषपूर्ण होता है। दूसरा दोस्तों बिंदु, वह आवाज जो बिना किसी उतार चढ़ाव के एक ही स्तर पर चलती है, वह इस अवस्था में आती है। यह प्रवृत्तियां मुख्यतः शर्मीले बच्चों में पाई जाती है। तीसरा दोस्तों, गुण संबंधी दोष प्रायः कई प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं, आवाज में भारीपन, जोर जोर से साथ लेकर बोलना, नाक से बोलना, आवाज में कसैलापन लाकर बोलना और अटक अटक कर बोलना। ठीक है ना, फिर अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि वाणी बाधित बालकों की पहचान के मुख्य लक्षण आपको बताना है। ठीक है ना, सीधे दोस्तों हम लक्षण पर आते हैं। तो हमारा पहला लक्षण क्या रहा कि सर्वप्रथम कक्षा में इन दोषी बालकों को पहचानना चाहिए तथा हकलाने वाले बच्चों को अलग कर उन्हें परामर्श चिकित्सा प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा बिंदु, कक्षा शिक्षा में ही आवाज के दोष वाले बालकों को पहचान ले। जो बालक नाक से बोलते हैं या जिनकी आवाज में भारीपन है या जो बहुत धीमे या तेज बोलते हैं, इनकी पहचान करनी चाहिए। तीसरा दोस्तों, शारीरिक दोष वाले बालकों को उनके दोष के कारण पहचाना जा सकता है। चौथा दोस्तों, कम सुनने वाले बालकों तथा देर से बोलने वाले बालकों की समस्या भी कक्षा शिक्षण में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कभी कभी दोस्तों ये हकलाते भी हैं, यह किसी भी कक्षा में हो सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कम सुनने वाले बालकों के साथ बोलने की क्या समस्या है, इसको आपको बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों करेंगे सीधे, कभी कभी कम सुनने वाले बालकों के साथ इनमें बोलने की भी समस्या उत्पन्न होती है। यह दोष बालकों के सुनने का दोष पर निर्भर करता है। आज 200-100 में से 3 छात्रों की सुनने की शक्ति कम पाई जाती है। अनेक बालकों में सुनने के दोष होते हैं तथा इसी से बोलने के दोष उत्पन्न होते हैं। कभी कभी दोस्तों बचपन में हुई बीमारियां जैसे दोस्तों जुकाम या इन्फ्लुएंजा आदि के कारण से भी यह दोष उत्पन्न होता है। इस पर
प्रारंभ में ही ध्यान देना आवश्यक है, अन्यथा बालक गंभीर बाधित हो जाते हैं। मशीन के प्रयोग द्वारा दोस्तों फिर सुनने में मदद ली जा सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, श्रवण विकलांगता के क्या कारण, इसको आपको बताना है। देखिए आपका अली यावर जंग, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्था मुंबई ने श्रवण विकलांगता के कारणों की व्याख्या इस प्रकार से की है। पहला दोस्तों, जन्म के पहले बाल्यावस्था में कड़ बधिरता का पारिवारिक इतिहास या पारिवारिक सदस्यों में बहरापन। दूसरा दोस्तों, निकट संबंधियों में वाहिक रिश्तों का होना, जैसे दोस्तों चाचा भतीजी इत्यादि। फिर दोस्तों तीसरा आता है आपका कि खून की बीमारियां, या दोस्तों आपका आरएच अपरिपूर्णता। चौथा दोस्तों आपका आता है गर्भावस्था के दौरान संक्रामक बीमारियां, जैसे कि दोस्तों सिफिलस, जर्मन मिजल्स या रूबेला बुखार के साथ मम्स, ठीक है ना, मम्पस। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि श्रवण विकलांगता क्या है, इसको बताना है। किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज सुनने में अक्षम होना श्रवण विकलांगता कहलाता है। यह श्रवण तंत्रिका के अपर्याप्त विकास के कारण या श्रवण संस्थान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। सुनना सामान्य वाच्य एवं भाषा के विकास के लिए सुनना यह प्रथम आवश्यकता है। बच्चा परिवार या आसपास के वातावरण में लोगों की बोली सुनकर ही बोलना सीखता है। बधिरता एक अदृश्य दोष है। एक व्यक्ति या बच्चे के बहरापन को पहचानने के लिए सूक्ष्म निरीक्षण की आवश्यकता होती है। जन्म के समय एवं शैशवावस्था में बहरापन बच्चे के संपूर्ण विकास में गलत प्रभाव डालता है। यह प्रभाव विकलांगता की प्रभाव भिन्नता या प्रारंभिक आयु स्वरूप और श्रेणी पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रवण विकलांगता के आपको प्रकार बताने हैं। तो चलिए दोस्तों सीधे हम प्रकार बताते हैं, बाकी आप थोड़ा बहुत बना के लिख देंगे पेपर में तो अच्छे नंबर पाएंगे। पहला दोस्तों आपका आता है चालकीय श्रवण दोष आता है। देखिए आपका यह मध्य कर्ण एवं कान के बाहरी हिस्से में खराबी के कारण होता है। दूसरा दोस्तों आपका आता है कि संवेदनिक श्रवण दोष, यह आपका कान के अंदरून, ठीक ना, अंदरूनी हिस्सों में यह श्रवण स्नायु में चोट लगने या बीमारी के कारण होता है। तीसरा दोस्तों आपका आता है मिश्रित श्रवण दोष, यह आपका चालकीय एवं संवेदनी श्रवण दोष के जोड़ के कारण होता है। फिर दोस्तों चौथा आपका आता है कि मध्यकर्ण श्रवण दोष, मध्यकर्ण श्रवण दोष चोट के कारण होता है। श्रवण तंत्रिका के संक्रमण के कारण यह होता है, या श्रवण तंत्रिका के अपर्याप्त रूप से विकसित होने के कारण होता है, या दोस्तों आपके दिमाग में सुनने के स्थान पर के विकसित ना होने के कारण यह हो सकता है। फिर दोस्तों पांचवा आपका आता है प्रकार्यात्मक श्रवण दोष, यह मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है, यह व्यक्तिगत लाभ के लिए सुनने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, श्रवण बाधितों का वर्गीकरण आपको करना है, ठीक है ना। तो आधुनिक विशेषज्ञों ने श्रवण बाधितों को चार भागों में विभाजित किया, दो जो कि निम्न है। पहला दोस्तों आपका आता है कि केंद्रीय श्रवण दोष, दूसरा मनोजैविक श्रवण बाधित, नाड़ी संस्थान श्रवण बाधित, चौथा आता है आपका आचरण में श्रवण बाधिता। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इसको डिफाइन कर देते हैं। पहला हमारा आता है केंद्रीय श्रवण बाधिता में, यह वह बालक होते हैं जो कि जटिल बाधिता से ग्रस्त होते हैं। इस प्रकार के बालक ध्वनि के बारे में जानते तो हैं परंतु इसका अर्थ नहीं समझ पाते, तथा इनकी संप्रेषण समस्या भी काफी गंभीर होती है। फिर दोस्तों आपका आता है आपका दूसरा नंबर मनोजैविक श्रवण बाधिता, इस प्रकार की बाधिता का कारण मनोवैज्ञानिक होता है। यह बालक अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों तीसरा आता है नाड़ी संस्थान श्रवण बाधिता, तो बालकों में नाड़ी संस्थान के दोष के कारण यह दोष आता है, अतः इसका उपचार करना संभव नहीं हो पाता है। यह बालक श्रवण यंत्रों की सहायता से सुनते हैं, ठीक है ना। चौथा दोस्तों आपका आता है आचरण श्रवण बाधिता, साधारण रूप में ऐसे बाधित बालक आचरण दोषी होते हैं। यह दोषी मतलब दोष कान के रोगों से संबंधित होते हैं, यदि चिकित्सक इनका उपचार करे तो दोस्तों यह दोष आपका ठीक भी हो सकता है। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि श्रवण बाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षणों का आपको ले करना है। 2016 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा भी गया है। सीधे इसके लक्षण देखते हैं। पहला लक्षण क्या रहा कि यह बालक अपने व्यवहार को एक सा नहीं रख पाते। दूसरा दोस्तों यह बालक अपने शिक्षकों के होठों की गतिविधियों हाव भाव को देखकर तथ्यों के बारे में पता लगा लेते हैं। तीसरा दोस्तों बिंदु है, यह बालक ध्वनि पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। चौथा दोस्तों यह बालक बातों को सुनने के लिए एक और सर झुकाते हैं। पांचवा दोस्तों इन्हें अक्सर समान ध्वनि वाले शब्दों में भ्रम होता है, जैसे दोस्तों यह चाचा को पापा समझते हैं। फिर अगला प्रश्न मतलब इसमें दोस्तों एक और है कि श्रवण बाधितों की आप पहचान कैसे करेंगे, इसको जरा देखिए दोस्तों। आप पहचान करने के लिए दोस्तों पहला बिंदु आता है आपका चिकित्सीय परीक्षण हो सकता है, विकासात्मक मापनी हो सकता है, तीसरा बालक का अध्ययन हो सकता है, चौथा आपका मनोनाड़ी परीक्षण, और पांचवा दोस्तों बालकीय व्यवहार का निरीक्षण। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा, श्रवण दोष बाधित बालकों की दो विशेषताएं आपको बतानी है, ठीक है ना, इनमें कैसी विशेषताएं होती हैं। तो चलिए दोस्तों सीधे पॉइंट्स पर आते हैं। पहला, श्रवण बाधित बालकों की भाषा में भी मतलब अत्यंत प्रभावित होती है,
इनको प्रशिक्षण के द्वारा उचित शिक्षा प्रदान की जाती है। गंभीर बाधितों में यह सबसे बड़ी कठिनाई होती है कि वह बालक सामान्य विकास नहीं कर पाते हैं। चौथा दोष, यह भाषा का कम प्रयोग करते हैं। पांचवा, इनके गहन प्रशिक्षण के द्वारा भाषा का सामान्य विकास हो पाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, श्रवण बाधितों में बौद्धिक योग्यता संबंधी क्या विशेषताएं होती है, आपको ये बताना है। सीधे दोस्तों विशेषता देखते हैं। पहला पॉइंट, श्रवण बाधित बालकों का मानसिक विकास सामान्य बालकों के समान होता है। इन बालकों के बौद्धिक कार्य सामान्य बालकों के जैसे ही होते हैं। इनकी चिंतन शक्ति सामान्य बालकों की जैसे ही होती है। यह बालक अशाब्दिक भाषा से बौद्धिक कार्य करने में सक्षम होते हैं। और पांचवा दोस्तों, इन बालकों की बौद्धिक अशाब्दिक परीक्षा में इनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, श्रवण बाधितों में सामाजिक व व्यावसायिक विशेषताएं क्या होती है, आपको इसको बताना है। सीधे पॉइंट्स पर आते हैं। श्रवण बाधित बालक अपने ही समूह में रहना पसंद करते हैं तथा उनसे ही संबंध बनाते हैं तथा उनकी रुचियां भी समान होती हैं। दूसरा दोस्तों बिंदु क्या, संप्रेषण की समस्याओं के कारण समाज में इनकी अंत प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तीसरा दोस्तों बिंदु कि इन बालकों की इच्छाएं तो अधिक होती हैं कि इन्हें समाज, मतलब क्या होता है दोस्तों, मान्यता मिले व सामाजिक अंत प्रक्रिया हो तथा इस इच्छा पूर्ति के न होने से उनमें ही दोस्तों भावना अधिक हो जाती है। ठीक है, ऐसे दोस्तों आप बना के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अंधे बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप बना के लिख सकते हैं, लेकिन देखते हैं। नेत्रहीन बालकों को परिवार के अन्य लोगों की दोस्तों दया का पात्र ना बनाया जाना चाहिए। इन्हें अपने दिन प्रतिदिन के कार्य स्वयं करने का प्रशिक्षण देना चाहिए। परिवार की सभी गतिविधियां में इन्हें शामिल करें। किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेते समय इन्हें भी साथ रखें। समय समय पर इनकी शारीरिक जांच विशेषकर नेत्रों की करवाते रहें। अगला क्वेश्चन क्या है, लेखन अयोग्यता से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, लेखन संबंधी योग्यता को डिस्ग्राफिया ठीक के नाम से जाना जाता है। इस अयोग्यता के कारण छात्र निश्चित लेखन नियमों का पालन न करते हुए खराब लेखन करने लगता है। इसमें छात्रों द्वारा किया गया लेखन मापदंडों के आधार पर नहीं उतरता है, इसलिए दोस्तों इसे एक दोष माना जाता है। इस प्रकार के दोष के कारण भाषाई विकास में अवरोध उत्पन्न होती है। लेखन अयोग्यता का आशय उस अमानकीय लेखन की व्यवस्था से जो अक्षरों के अनुचित बनावट, अनुचित शब्द दूरी एवं शिरोरेखा के अभाव को प्रदर्शित करता है तथा सुलेख की श्रेणी में नहीं आता है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि इकाई योजना की आवश्यकता तो बताइए दोस्तों। इकाई योजना में दोस्तों चलिए हम आपको हेडिंग्स बता रहे हैं, याद करते चलिए। पहले आपको चुनाव करना होगा, फिर विभाजन, फिर दोस्तों आपको प्रस्तावना आती है, चौथा आपका व्यवस्था आता है, पांचवा आपका शिक्षण सामग्री का चयन होगा, फिर छठा आपका आएगा मूल्यांकन। ठीक है ना, फिर अगला प्रश्न कह रहा है अभिवृत्ति का से आपको स्पष्ट करना है। देखिए अभिवृत्ति क्या है, जैसे किसे कहते हैं, जैसे प्रश्न का उत्तर देना व्यक्तित्व के अर्थ को स्पष्ट करने की तरह से एक अत्यंत कठिन कार्य है। अभिवृत्ति व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति के मनोभाव अथवा विश्वासों को इंगित करती है। यह बताती है कि व्यक्ति क्या महसूस करता है अथवा उसके पूर्व विश्वास क्या है। अभिवृत्ति से अभिप्राय व्यक्ति के उद्दृष्टिकोण से होता है जिसके कारण वह किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों, संस्थानों, परिस्थितियों, योजनाओं आदि के प्रति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। ठीक है ना, इतना आप लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा अभिवृत्ति की विशेषताएं आपको बतानी, चलो इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहला पॉइंट क्या रहा, अभिवृत्ति का संबंध किसी वस्तु, परिस्थिति, योजना आदि के प्रति व्यक्ति के व्यवहार से होता है। दूसरा बिंदु, अभिवृत्ति धनात्मक सकारात्मक भी हो सकती है अथवा ऋणात्मक नकारात्मक भी हो सकती है। तीसरा बिंदु, अभिवृत्ति अनुभव के द्वारा विकसित होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अभिवृत्ति की प्रकृति वातावरण जन्य होती है। तो चौथा बिंदु दोस्तों, यद्यपि अभिवृत्ति पर्याप्त रूप से स्थायी प्रकृति होती है फिर भी समय समय पर इसमें परिवर्तन आ जाना संभव है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं कि बुद्धि लब्धि कहाँ से आपको स्पष्ट करना है। सन 1911 में दोस्तों बीने और साइमन ने मिलकर विभिन्न आयु में 215 वर्ष तक के मतलब बच्चों के लिए पृथक पृथक प्रश्नावली तैयार की। जो बालक अपनी आयु के अनुसार प्रश्नावली का हल कर लेता था उसे साधारण बुद्धि लब्धि वाला तथा उसके ऊपर आयु वालों की प्रश्नावली हल कर लेता था उसे प्रखर बुद्धि लब्धि वाला समझा जाता था। जो दोस्तों अपनी आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाते थे उन्हें निम्न बुद्धि लब्धि वाला कहा जाता था। फिर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्णन आपको करना है या वर्गीकरण करना है। तो दोस्तों देखिए क्रम संख्या ये सब दिया गया, बुद्धि लब्धि दिया गया और वर्गीकरण। तो दोस्तों अगर आपकी बुद्धि लब्धि 0 से लेकर 24 तक तो आप जड़ बुद्धि कहलाएंगे, 25 से 49 में मंद आते हैं, 50 से लेकर 69 में दोस्तों आप मूर्ख कहलाते हैं, 70 से लेकर 79 में दोस्तों आपकी निर्मल बुद्धि होगी, 80 से लेकर 89 तक दोस्तों आप मंद बुद्धि आएगी, 90 से लेकर 109 तक दोस्तों आपकी सामान्य बुद्धि कहलाती है। ठीक है ना, उसके बाद 110 से 119 के बीच में उत्कृष्ट बुद्धि आएगी और 140 से अधिक में प्रतिभाशाली बालक आप कहलाएंगे।
अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि बुद्धि परीक्षणों के प्रकारों का आपका उल्लेख यहाँ पर करना है। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षणों को दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, प्रयोज्यों अथवा परीक्षार्थियों की संख्या दोस्तों के आधार पर, और दूसरे परीक्षणों को प्रस्तुतिकरण के स्वरूप में के आधार पर इसको दोस्तों देखा जाता है। ठीक है, प्रयोज्यों की संख्या के आधार पर बुद्धि परीक्षणों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला दोस्तों आपका आता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है ना, और परीक्षणों के प्रस्तुतिकरण के स्वरूप के आधार पर भी इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और दोस्तों दूसरा आ जाएगा सिंपल सी बात है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो इसके बाद दोस्तों आप इसको बना के लिख सकते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत में देखिए क्या होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन होता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षाएं शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। अब दोस्तों बारी आती है आपकी सामूहिक बुद्धि परीक्षण में, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक समय में अनेकों व्यक्तियों पर प्रशासित मतलब किया जा सकता है। इस परीक्षण में परीक्षणकर्ता को प्रयोज्य में किसी प्रकार के सौहार्द स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं या अन्य साथियों के माध्यम से बुद्धि परीक्षण प्रपत्र को वितरित कर देता है। परीक्षण संबंधी निर्देश परीक्षण प्रपत्र पर छपे होते हैं। तीसरा दोस्तों हमारा पॉइंट आता है कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, कुछ मनोवैज्ञानिक का कथन है कि भाषात्मक परीक्षण की अपेक्षा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षाएं ज्यादा विश्वसनीय होती हैं। अलेक्जेंडर के अनुसार पूर्ण क्रियात्मक माला पूर्ण शाब्दिक माला से अच्छा मापदंड है। अगला प्रश्न क्या रहा आपका, क्रियात्मक परीक्षण किन किन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है? तो दोस्तों पहला आता है गूंगे एवं बहरे व्यक्तियों की बुद्धि मापन के लिए, अनपढ़ व्यक्तियों के लिए, शर्मीले व अंतर्मुखी व्यक्तियों के लिए, शैक्षिक पिछड़े बालक के लिए और विदेशी बालकों के लिए। अगला प्रश्न क्या रहा, बुद्धि परीक्षणों के शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग बताइए। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है? सीधे दोस्तों हम उपयोग पर आते हैं, तो देखते हैं पहला उपयोग कि प्रवेश हेतु छात्रों का चयन करने में, जब दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्रवेश के बाद छात्रों का वर्गीकरण करने में, अति पिछड़े एवं मेधावी छात्रों की पहचान करने में, चौथा दोस्तों विशिष्ट बालकों की शिक्षा व्यवस्था देने में, पांचवा समस्यात्मक छात्रों के निदान एवं उपचार करने में। तो ऐसे आप बना के लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या रहा, मंदित मना बालक कौन है, इसको समझाना है आपको। देखिए साधारण रूप से जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 60 से कम होती है उन्हें अल्प मानसिकता न्यूनता ग्रंथियों की श्रेणी में रखते हैं, किंतु इस श्रेणी में हम यहाँ सामान्य से नीचे बुद्धि वाले को भी गणना करते हैं। इसमें आपके दोस्तों जड़ मूढ़ एवं मूर्ख व्यक्ति मतलब मूर्ख बुद्धि आती है। मंदित माना बालकों का समायोजन प्रतिभाशाली व साधारण बालकों की अपेक्षा कठिन व भिन्न है, इनके प्रति व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण व धैर्यपूर्ण हमारा होना चाहिए। फिर बारी दोस्तों आती है कि मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं आपको बतानी है। तो मनोवैज्ञानिक ने मानस मंद बुद्धि बालकों की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया, जिनमें से दोस्तों कुछ प्रमुख विशेषताएं आपके सामने निम्न रही। पहले दोस्तों आपकी आती है मानसिक विशेषताएं। देखिए मानस मंद बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है, जन्मजात मानसिक क्रियाएं जिसे सामान्य दोस्तों बालकों की अपेक्षा कम होती है, ध्यान केंद्रण एवं समन्वयन की दोस्तों योग्यता की कमी होती है, यहाँ पर स्मृति विस्तार सीमित होता है, ध्यान विस्तार भी कम होता है। फिर दोस्तों देखिए सामाजिक विशेषताएं में कैसी आती है कि अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए जीवन पर्यंत दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं, स्वयं पर नियंत्रण रखने में असमर्थ होते हैं। फिर दोस्तों शारीरिक विशेषताओं में संवेदी गामक विकार की गति दोस्तों सामान्य से धीमी होती है, शारीरिक क्रियाओं जैसे दोस्तों चलना दौड़ना बोलना एवं स्वयं भोजन करना या स्वयं कपड़े पहनना इत्यादि प्रकृति में अत्यंत धीमी होती है। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है आपके शैक्षिक विशेषताएं, तो सीखने की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है और निम्न स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि होती है। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है कि मंद बुद्धि वाले बालकों हेतु पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों चलिए देखते सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। पहला दोस्तों देखिए, चूंकि मंद बुद्धि बालक बौद्धिक दृष्टि से मंद होते हैं, अतः उनको पढ़ाए जाने वाले विषयों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्राहक की दृष्टि से विषय वस्तु अति सरल होना चाहिए, विषय वस्तु में जीवनोपयोगिता का ध्यान विशेष रूप से रखा गया, विषय वस्तु बौद्धिक क्षमता पर आधारित होने की अपेक्षा क्रिया आधारित ठीक है ना अधिक होना चाहिए। मंद बुद्धि बालक एवं अभिभावक संबंध पर लेख आपको लिखना है। ठीक है, इस पर तो आप बना के लिख सकते हैं आराम से, लेकिन चलिए कुछ पॉइंट्स हम बता देते हैं। देखा यही गया कि सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें वे विषय पढ़ाना चाहते हैं जिनमें नौकरी प्राप्ति की गुंजाइश अधिक हो, भले ही उनका पुत्र या पुत्री किसी कक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण क्यों ना हो जाता हो, मतलब फेल क्यों ना हो जाता हो। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को चाहिए कि शिक्षक अभिभावक मिलन के अंतर्गत वे अभिभावकों को मतलब उनके पिता को समझाएं या उनके पेरेंट्स को, साथ ही अभिभावकों को चाहिए कि वह अपने बालकों के हित की दृष्टि से शिक्षक की सलाह पहले माननी चाहिए टीचर्स की, अपने बालक को विषय पढ़ने दें मतलब वह विषय पढ़ाएं दोस्तों जिनमें वह कुछ समझ सकता है, बालकों पर अपनी मान्यता ठीक ना कभी ना छोपे,
बालकों को अपना काम करने के लिए दोस्तों घर पर पर्याप्त समय भी दें और पाठशाला का काम करने में अपना सहयोग भी दें। फिर दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं कि मानसिक मंदितों की शिक्षा हेतु कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों इसको आपको समझाना है। चलिए दोस्तों सीधे पॉइंट पर हम आते हैं। तो पहला आएगा आपका, विशिष्ट विद्यालयों में कक्षाओं की स्थापना की जाए, छोटे समूह में शिक्षा दी जानी चाहिए, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, विशेष पाठ्यक्रम बनाया जाए, अध्ययन विषय सुनिश्चित किया जाए। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि मानसिक मंदित बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए सीधे पॉइंट्स पर आते हैं। या दोस्तों मंद बुद्धि बालकों को किस प्रकार निर्देशन प्रदान किया जाता है, देखिए क्वेश्चन पेपर में आए। तो मानसिक मंदित बालकों की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक भली भांति प्रशिक्षित होना चाहिए तथा इन शिक्षकों में कुछ ऐसी विशेषताएं भी होनी चाहिए जो कि निम्नलिखित है। पहले दोस्तों आता है कि बालकों के विषय में जानकारी देना, ठीक है ना, ये दोस्तों होना चाहिए। दूसरा दोस्तों आपका पॉइंट आता है कि शिक्षकों का सहानुभूति पूर्ण व्यवहार होना चाहिए, जी हाँ दोस्तों सिंपथी उनके साथ होना चाहिए। तीसरा दोस्तों संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करना चाहिए। चौथा आपका दोस्तों दृश्य शब्द, ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा बालकों को सम्मान देने वाले शिक्षक होने चाहिए। छठा समूह कार्यों के द्वारा शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है ना। आप देखिए अगर हेडिंग्स आपको याद है तो आप डेफिनेटली पेपर में अच्छा कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या है कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे या शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के आपको उपाय बताने हैं। शैक्षिक पिछड़ेपन के बचाव या शिक्षा व्यवस्था में जहां सबसे अधिक महत्वपूर्ण दायित्व शिक्षक का है, वही दूसरी ओर दोस्तों यह दायित्व विद्यार्थी स्वयं तथा उसके माता पिता या अभिभावकों का भी है। किंतु शिक्षार्थियों एवं अभिभावकों के द्वारा जो प्रयत्न किए जाते हैं वे भी शिक्षक द्वारा ही बताए जाएंगे, चाहे वह कक्षा में शिक्षार्थियों को बताए या शिक्षक अभिभावक सम्मेलन या पेरेंट्स मीटिंग दोस्तों जो होती है के अंतर्गत अभिभावकों को बताया जाए। तो चलिए दोस्तों कुछ चीज के उपाय हैं दूर करने के शैक्षिक पिछड़ेपन को। पहला पॉइंट आता है जो बात कक्षा में के अधिकतर छात्रों से ना आती हो, ठीक है, उसे अवश्य बता दें भले उसका संबंध पिछली कक्षाओं से क्यों ना हो। दूसरा पॉइंट, जिस बात का संबंध पिछली कक्षाओं से है उसे बताने में अधिक समय लगे। तीसरा पॉइंट दोस्तों, पिछली कक्षाओं से संबंधित केवल वही बात बताई जाए जिसका संबंध आगे बताई जाने वाली बात से हो। चौथा पॉइंट, जो बालक मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ है उन्हें आवश्यक रूप से कक्षा में ना बिठाकर छुट्टी दे दी जानी चाहिए, ठीक है ना। काफी चीजें होगी दोस्तों, अब बात करते हैं अगला हमारी हेडिंग से होगी शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। देखिए पिछड़े बालक की कमजोरी को दूर करने हेतु उन्हें व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जैसी भी स्थिति हो अलग से समय दिया जाना चाहिए। दूसरा, पिछड़ापन व्यक्तिगत या सामूहिक जिस प्रकार का भी हो उसके कारणों का पता लगाकर उन कारणों का दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। फिर हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, बोलने में अक्षम या वाणी बाधित बालकों हेतु कक्षा प्रबंधन की रूपरेखा आप समझाइए, ठीक है ना। देखिए वाणी बाधित बालकों के शिक्षा हेतु कई आयामों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चलिए सीधे पॉइंट्स पर हम आते हैं। छात्रों के अशुद्ध उच्चारण का मजाक ना उड़ाकर कक्षा में उनकी, ठीक है दोस्तों, उचित उच्चारण हेतु सहायता की जानी चाहिए। दूसरा दोस्तों पॉइंट है, शिक्षक कक्षा में सभी बालकों के प्रश्नों को उत्तर देने के समान अवसर दे ताकि दोस्तों वाणी बाधित बालक भी प्रोत्साहित हो सके। तीसरा दोस्तों, बालकों से वह शब्द अधिक बुलवाए जिनका उच्चारण वह उचित प्रकार से नहीं कर पा सकते हैं। चौथा दोस्तों बिंदु, कि बालकों को ऐसी परिस्थितियां दे जिससे वह अपने को असमर्थ ना समझे। पांचवा, बालकों को सामूहिक उच्चारण की प्रविधि के द्वारा पढ़ाएं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, श्रवण श्रवण बाधितों की शिक्षा हेतु शिक्षा कैसा होना चाहिए, इसको आपको समझाना है, ठीक है ना। देखिए श्रवण बाधित बालकों को वैसे तो सामान्य बालकों के तरह ही शिक्षा दी जा सकती है, परंतु यदि वह अत्यंत बाधित या बिल्कुल मतलब बहरे हो में आते हैं तो उन्हें विशिष्ट कक्षाओं में प्रवेश दिलवाया जाता है। तो दोस्तों चलिए कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं सीधे। सर्वप्रथम शिक्षक बालकों के बाधिता के स्तर का पता लगाए तथा उसी के अनुसार उन्हें शिक्षित करने की योजना बनाए। दूसरा दोस्तों पॉइंट है कि शिक्षक बालकों के अभिभावकों को इसकी सूचना दे कि बालक का कैसा चिकित्सीय परीक्षण कराया जाए तथा उपचार हेतु क्या क्या किया जाए। तीसरा बिंदु दोस्तों, प्रत्येक शिक्षक को छात्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, ठीक है ना, दृष्टिकोण रखना चाहिए तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। चौथा बिंदु, बालकों को पढ़ने लिखने हेतु प्रेरित किया जाना भी शिक्षक का ही कर्तव्य होता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, यहाँ पर एक और पॉइंट देख लेते हैं कि बालक द्वारा कक्षा में श्रवण यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं, यह भी दोस्तों शिक्षक ही देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विकलांग बालकों की शिक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग आपको बताना है, ठीक है ना। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री एवं विकलांग शिक्षा, विकलांग बालकों की शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ विशिष्ट सामग्री का प्रयोग किया जाता है जिन्हें दोस्तों हम दृश्य श्रव्य सामग्री भी कहते हैं।
अगर हम सिर्फ गूंगे व बहरे बालकों को छोड़ दें तो अन्य परिस्थितियों में भारत में श्रवण उद्दीपन का ही शिक्षण का आधार है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं प्रमुख दृश्य श्रवण उपकरण कौन कौन से हैं। तो पहले हम दोस्तों देखते हैं दृश्य उपकरण। दृश्य उपकरण सस्ते तथा शिक्षण हेतु उपयोगी होते हैं। इनका प्रयोग छात्र तथा शिक्षकों की सुविधा अनुसार किया जाता है। कई बार इनका दोस्तों निर्माण स्वयं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपका श्रव्य उपकरण। श्रव्य सामग्री में मुख्यतः दोस्तों आपके टेप रिकॉर्डर व ग्रामफोन आते हैं। यह सामग्री अंधे बालकों के लिए प्रयोग की जाती है। फिर दोस्तों देखिए बारी आती है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत वह सामग्री आती है जिन्हें हम देख व सुन दोनों सकते हैं। यह उपकरण सस्ते व टिकाऊ होते हैं। इनका प्रयोग अध्यापक तथा छात्र अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। मुख्यतः दोस्तों टेलीविजन, कंप्यूटर, चार्ट तथा पोस्टर आदि इस सामग्री के मतलब अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, वाणी बाधितों की शिक्षा हेतु शासन द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको संक्षेप में आपको बताना है। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए भाषा बाधित बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा विशिष्ट आयोजनों की व्यवस्था की गई है। विशेष आयोजनों में शैक्षिक तकनीकी आती है जो कि बालकों का नियमित शिक्षण में पढ़ना, लिखना, बोलना व सीखना बताती है। भाषा तथा वाणी बालकों के लिए मतलब शैक्षिक प्रावधान हेतु निम्न बिंदुओं का अध्ययन करना जरूरी है दोस्तों। शिक्षण आयाम हो गया, द्विभाषिक योजनाएं होती। ठीक दोस्तों, फिर आता है आपका अध्यापक की भूमिका में, जैसे शिक्षक, ठीक ना, शिक्षण सहायक विधि होगी, भाषा कौशल विकास हो गया। चौथा दोस्तों बिंदु है आपका अनुकूलित पाठ्यक्रम, शैक्षिक परागमन और शिक्षण तकनीकी। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा है कि सामान्य कक्षा के लिए शिक्षक की विशेषताओं का आपको ले करना है। सीधे पॉइंट्स पर आते हैं कि कक्षा शिक्षण में कार्यों की अभिव्यक्ति शाब्दिक रूप से भी की जाए, क्योंकि दोस्तों दृष्टि बाधित बालक वाणी को समझ पाते न कि चेहरों के हाव भाव को। दूसरा दोस्तों बिंदु है कि शिक्षकों द्वारा कक्षा में ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे छात्रों को लाभ की प्राप्ति हो, अर्थात छोटे छोटे कलांत रखें, उचित प्रकाश की व्यवस्था रखें तथा उचित शिक्षण सामग्री का प्रयोग करा जाए। तीसरा दोस्तों शिक्षकों को इन बालकों को अंतःक्रिया हेतु प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। चौथा दृष्टिबाधित बालकों की उचित सहायता की जानी चाहिए। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, सुविधा वंचित बालकों की शिक्षा में एक योग्य शिक्षक की आपको भूमिका का निर्धारण करना है। सीधे पॉइंट्स पर आते हैं। देखिए सुविधा वंचित की आवश्यकताओं तथा वंचनाओं का पता हम पहले लगा सकें। वैसे तो पाठ्यक्रम ही उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, परंतु यदि नहीं भी है तो शिक्षक उन्हें उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा दोस्तों पॉइंट, संभव है कि कुछ बच्चों की आदतें अच्छी नहीं लगने वाली और दुखद हो, फिर भी दोस्तों उनकी उन आदतों के लिए उस समय तक कुछ ना कहा जाए जब तक कि शिक्षक यह पता ना लगा ले कि उन्हें वैसा ही कहीं जानबूझकर तो नहीं किया है। ठीक है ना दोस्तों, फिर अगला पॉइंट देते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स बड़े होते हैं लेकिन दोस्तों आप उनको तैयार रखेंगे तो आपके मन में कुछ ना कुछ दिमाग में चला जाएगा जिससे आप पेपर में लिख सकते हैं। यदि उनके कपड़े दोस्तों ढंग के नहीं है या उनके कपड़े ढंग से पहचानना मतलब पहनना नहीं आता है, अथवा दोस्तों जिस वातावरण में वे रह रहे हैं उनमें उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात सीख ली है जो शिक्षक को पसंद नहीं है, तो वह उनकी उस आदत में प्रेम से परिवर्तन लाने का प्रयत्न करें, ना कि घृणा और डांट फटकार से। पांचवा दोस्तों बिंदु होगा, शिक्षक और सुविधा वंचित विद्यार्थियों के बीच परस्पर आत्मीयतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ठीक है ना, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपकी ब्रेल लिपि क्या है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका पेपर में आ चुका है ब्रेल लिपि के बारे में। देखिए ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं की एक ऐसी लिपि है जिसमें स्पर्श द्वारा पढ़ा लिखा जाता है। इसमें पढ़ने व लिखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। यह मतलब इस लिपि का आविष्कार दोस्तों 1937 में एक दृष्टिहीन व्यक्ति लुई ब्रेल ने किया, परंतु इस लिपि को मान्यता लुई ब्रेल के मरणोपरांत ही मिल पाया। तो दोस्तों इस लिपि का स्वरूप इस प्रकार है कि इन 6 बिंदुओं के विभिन्न संयोगों के आधार पर विश्व की सभी भाषाओं, वर्णमालाएं, विराम चिन्ह, संक्षेप तथा संकेत आदि तैयार किए गए हैं। भारतीय ब्रेल भी इन्हीं 6 बिंदुओं पर आधारित है। भारत की सभी भाषाएं हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु इत्यादि इस लिपि के माध्यम से भी पढ़ी तथा लिखी जा सकती है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि ब्रेल लिपि मतलब ब्रेल लेखन की प्रक्रिया को आपको समझाना है। तो ब्रेल के प्रकार, देखिए ब्रेल को लिखने, पढ़ने व लिखने के लिए हमें अपनी स्पर्शी क्षमता का विकास करना पड़ेगा जिससे कि हम बिंदुओं को विभिन्न संयोगों की मतलब दोस्तों जल्दी व आसानी से पहचान सकेंगे। ब्रेल को निम्नलिखित 3 ग्रेडों में बांटा गया है। तो दोस्तों पहले देखते हैं, पहले ये आपका आता है ग्रेड 1, ठीक है ना। फिर दोस्तों आपको ये ग्रेड 2 आएगा और ग्रेड 3 आएगा। चलिए सबको एक एक बार देख लेते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों एक एक अक्षर को लिखते हैं। जैसे दोस्तों यदि श्याम, ठीक है, SHYAM या श्याम लिखना हो तो दोस्तों हमें सभी अक्षरों को ब्रेल में लिखना होगा। इसका दोस्तों दूसरा ओपन ब्रेल भी है, ठीक है ना। यह ब्रेल सीखना शुरू करने के लिए दोस्तों अधिक उपयोगी है।
ग्रेड वन ब्रेल सीखने का एक अन्य लाभ यह भी है कि सीखने वाले के वर्तनी की दोस्तों त्रुटियां कभी नहीं होती हैं। ग्रेड टू दोस्तों क्या होता है, इसका दूसरा नाम दोस्तों आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेल भी है। इस श्रेणी में शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखना, जैसे दोस्तों सी फॉर कैन, बी फॉर बट आदि। तीसरा दोस्तों इसको टोटल ब्रेल शॉर्ट हैंड या ब्रेल आशुलिपि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पूर्ण रूप से लघु रूप को अपनाया जाता है दोस्तों, जैसे पी फॉर प्राइम मिनिस्टर इटीसी। फिर दोस्तों इसमें कुछ आपको नोट दिया गया, स्पेशल बातें लिखी। देखिए भारतीय ब्रेल कोड में अधिकतर ओपन ब्रेल ही, ठीक हम लिखते हैं ब्रेल संकोच तथा संक्षेप के विकास तथा प्रचार एवं प्रसार का प्रयास भी चल रहा है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि दृष्टिबाधितों को ब्रेल लिपि सिखाने की विधियों का हमें वर्णन करना है, तो दोस्तों इसमें कौन कौन सी विधियां आती हैं, ठीक है ना। देखिए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की स्पर्श क्षमता के विकास के बाद उन्हें ब्रेल पढ़ना हम सिखाएंगे, और इसमें सिखाने के लिए दोस्तों निम्न तीन विधियां बताई गई। पहले दोस्तों आपका एक वाक्य विधि आता है, शब्द विधि आता है, और अक्षर विधि, ठीक है ना। तीनों दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर। वाक्य विधि में छोटे वाक्यों का सहारा लिया जाता है, वाक्य में शब्दों का मामूली फेर बदल हो सकता है, या एक खिलौना है या एक बड़ा खिलौना, ठीक है ना, सिंपल सी बात। फिर शब्द में इस विधि द्वारा दोस्तों शुरू में परिचित तथा सार्थक शब्दों का सहारा लिया जाता है, बिंदु विन्यास समझ में आने से पूर्व। ये बच्चों को दोस्तों छूकर पहचानने का प्रयास करते हैं। कागज या फ्लैश कार्ड पर तीन चार पंक्तियों में तीन चार, ठीक है ना, शब्दों को बार बार लिखकर बच्चों को दिया जा सकता है। फिर दोस्तों अक्षर विधि में ऊपर दोनों विधियां विश्लेषण की हैं, जबकि अक्षर विधि संश्लेषण विधि है। इसमें बच्चे पहले अक्षर पहचानते हैं तथा फिर अक्षरों से शब्दों का निर्माण करते हैं। पहचानने में सरल अक्षरों की पहचान पहले करवाते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा, दृष्टिबाधित बालकों को ब्रेल लिपि से क्या लाभ प्राप्त होते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं। सीधे हम लाभ पर आएंगे। पहला लाभ दोस्तों ये है कि नोट्स लेने में छात्रों का ध्यान कक्षा में केंद्रित रहता है। दूसरा दोस्तों नोट्स लेने से भविष्य में बातों को याद रखना आसान हो जाता है। तीसरा बिंदु, नोट्स स्वयं की पढ़ाई के लिए उपयोगी होती है। चौथा, इससे लिखने की गति बढ़ती है और नोट्स परीक्षा के पहले बहुत काम आते हैं। और छठा दोस्तों, नोट्स लेने से छात्रों को अन्य मनोवैज्ञानिक लाभ भी होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका विशेष शिक्षण व्यवस्था के बारे में आपको समझाना है। ये क्वेश्चन देखिए डीएलएड 2018 में आता है। तो पहले आता है कि वाणी बाधितों हेतु विशिष्ट विद्यालय। वाणी बाधित बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा दिया जाना अति आवश्यक है, परंतु इन विद्यालयों में दोस्तों विशेष यंत्रों की सुविधा होनी चाहिए जो कि दोस्तों वाणी से संबंधित होते हैं। इसमें मुख्यतः कहानी पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, जिससे बालकों में कोई भी चित्र दिखाकर उससे धारा प्रवाह, ठीक ना, भाषा बुलवाई जाती है। इससे बालकों की वाणी सुधर जाती है। इस प्रकार के विद्यालयों में शिक्षण आवयों की भी सहायता ली जाती है तथा छात्रों के साथ शाब्दिक संप्रेषण भी किया जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे दृष्टिबाधितों की शिक्षा के प्रावधान। तो दोस्तों पहला आता है आपका पूर्ण दृष्टिबाधित होते हैं, दूसरा होता है आंशिक दृष्टिबाधित। तो दोस्तों इसमें दो तरह से शिक्षा दी जाती है। देखिए अतः इन्हें शिक्षा भी इसी आधार पर प्रदान की जाती है। सामान्य रूप से एक विद्यालय में दोस्तों 500 से लेकर 1000 बालकों की संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक बालक को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ कुछ बालक को ही, मतलब ऐसे होते हैं जो इस शिक्षा के दायरे में आते हैं। अतः दृष्टिबाधितों हेतु गाँव में भी विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए ताकि वहां के दृष्टिबाधित बालक भी इसका लाभ ले सकें, ठीक है ना। फिर दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निर्देशन का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता एवं क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या आपको करनी है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है कि ये सब क्वेश्चन आपके 2 नंबर के ही आएंगे, तो उतना आप नहीं लिखेंगे जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा समय खराब हो। तो सबसे पहले इसका अर्थ हम देखते हैं। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशन समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता है, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक या व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। अब इसका उद्देश्य देखते हैं। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र दोस्तों क्या होते हैं, अल्प आयु के होते हैं, उनको जीवन का अनुभव नहीं होता है, उनके मस्तिष्क अपरिपक्व होते हैं, उनके जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब वे उचित चुनाव नहीं कर पाते हैं। ऐसे अवसर पर निर्देशन का उद्देश्य छात्रों की सहायता करना है। विद्यालय में निर्देशन की दोस्तों आवश्यकता क्यों पड़ती है, चलिए इसकी हेडिंग तो हम देख लेते हैं, फिर बाकी आप लिख सकते हैं। शिक्षा संबंधी दोस्तों आपकी आवश्यकता होती है। दूसरा, व्यवसायिक आवश्यकता पड़ती है। तीसरा दोस्तों, व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है। अब इसके क्षेत्र हम लोग देखते हैं, निर्देशन के क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले दोस्तों समस्त व्यक्तियों को निर्देशन देने हेतु। दूसरा दोस्तों आपका बाल केंद्रित सेवा होता है। तीसरा दोस्तों आपका निर्देशन कर्मचारियों का चयन करना होता है। चौथा, छात्रों को निर्णय लेने के अवसर देना होता है। पांचवा, निर्देशन विधियों को बताना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं, सविस्तार आपको बताने हैं। इसके प्रकार को हम देखेंगे। पहला दोस्तों व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा शैक्षिक निर्देशन, तीसरा स्वास्थ्य निर्देशन, चौथा सामाजिक, और पांचवा है आपका व्यावसायिक निर्देशन। तो व्यक्तिगत निर्देशन में दोस्तों दो दो पॉइंट हम पढ़ लेते हैं।
यह निर्देशन व्यक्तिगत कठिनाइयों से संबंधित होता है, इसलिए दोस्तों इसमें निम्न बात को मतलब बातों का होना आवश्यक है। छात्रों को उनकी समस्याओं का ज्ञान कराना तथा उन्हें समुचित निर्देशन देना। दूसरा, छात्रों के संतुलित विकास में सहायता करना। फिर दोस्तों शैक्षिक निर्देशन में क्या आता है कि जोन्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का अर्थ उस व्यक्तिगत सहायता से है जो छात्रों का इस कारण से प्रदान मतलब को इस कारण से प्रदान की जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम पाठ्य विषय एवं विद्यालय जीवन का चयन कर सके और उनसे समायोजन भी कर सके। दूसरा बिंदु, शैक्षिक निर्देशन का संबंध शिक्षा और अध्ययन से होता है इनमें, ठीक ना, मतलब इसमें दोस्तों निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं। जैसे दोस्तों पाठ्य विषयों का चयन करते समय छात्रों का मार्गदर्शन करना, विद्यालय में प्रवेश के समय छात्रों को आवश्यक और उचित निर्देशन देना। फिर दोस्तों स्वास्थ्य निर्देशन में क्या आता है, पहले छात्रों को स्वस्थ जीवन के महत्व के विषय में बताना, छात्रों को उत्तम स्वस्थ आदतों के विषय में भी जानकारी देना। फिर आपका बारी आती है सामाजिक निर्देशन। देखिए इसमें आता है कि छात्रों को सामाजिक समायोजन के विषय में आवश्यक परामर्श देना चाहिए, छात्रों को विभिन्न सामाजिक व्यवहारों के विषय में विभिन्न सूचनाएं प्रदान करना चाहिए। फिर दोस्तों अगला आता है आपका व्यावसायिक निर्देशन। तो इसमें जैसे दोस्तों होता है कि किसी छात्र को व्यक्ति विशेष को ऐसे सहायता देना कि वह अपने लिए उचित व्यवसाय का चुनाव ठीक प्रकार से कर सके, या छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के विषय में जानकारी भी कराना। फिर दोस्तों बारी आती है आपके निर्देशन की विधियां। छात्रों को निर्देशन प्रदान करने के लिए दोस्तों दो विधियां प्रयोग की जाती हैं। आपका एक तो आता है आपका व्यक्तिगत संपर्क विधि, दूसरा सामूहिक विधि। अब अगला प्रश्न है, हमारा प्रतिभाशाली बच्चों को निर्देशन किस प्रकार करते हैं, या मंद बुद्धि बालकों को किस प्रकार निर्देशन किया जाता है। तो इस चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले शिक्षक के निर्देशन में अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक अपने छात्रों का अध्ययन अनेक परिस्थितियों में करता है क्योंकि वह उनके सबसे निकट संपर्क में रहता है। शिक्षक ही छात्रों की आवश्यकताओं के संबंध में सबसे अधिक जानकारी रखता है, ठीक है ना। तो शिक्षक के निर्देशन संबंधी कार्य एवं उत्तरदायित्व तो निम्नलिखित हैं। पहला दोस्तों बिंदु आता है कि छात्रों के साथ संबंध स्थापित करके बाधित बालकों का पता लगाना। दूसरा, छात्रों के अभिभावकों के संपर्क स्थापित करना। तीसरा, छात्रों को पुस्तकालय व सामाजिक संस्थाओं से संपर्क स्थापित कराना और सिखाना। चौथा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। पांचवा, जिन छात्रों का साक्षात्कार किया जा चुका है उनकी रिपोर्ट का निर्देशन छात्रों को प्रदान करना। फिर दोस्तों अगला देखते हैं, निर्देशन में कक्षा अध्यापकों की भूमिका क्या होती है, इसको देखते हैं। सीधे हम पॉइंट्स पर आते हैं। कक्षा में अच्छा व उत्तम वातावरण पैदा करना चाहिए। अन्य निर्देशनकर्ताओं को सहयोग देना। असमायोजित छात्रों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त होना। चौथा, परामर्श प्रक्रिया का ज्ञान भी कक्षा अध्यापक को होना चाहिए जिससे वह छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श दे सके। फिर अगला क्वेश्चन आता है निर्देशन में कि मतलब कोई तीन सिद्धांत आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन देखिए सब पेपर में आ चुके हैं आपके। तो सिद्धांत दोस्तों देखते हैं, पहला आपका सिद्धांत होना चाहिए कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का सर्वांगीण विकास से संबंधित। अब ये कितने प्रकार के निर्देशन होते हैं सब विस्तार आपको समझाना है। तो पहला दोस्तों आपका था शैक्षिक निर्देशन। देखिए आपका पैटरसन ने निर्देशन को 5 भागों में बांटा है, शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक, व्यक्तिगत, स्वास्थ्य संबंधित निर्देशन और आर्थिक निर्देशन। अब देखिए दोस्तों आपका कंपू और किफोर ने भी निर्देशन के 5 प्रकार बताए, जैसे शिक्षा संबंधित निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, मनोरंजनात्मक निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधित निर्देशन और नागरिक, सामाजिक तथा नैतिक निर्देशन। उपयुक्त में दोस्तों केवल मतलब केवल शैक्षिक निर्देशन और व्यवसायिक निर्देशन ही अधिक प्रचलित है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा है कि बालकों में उचित निर्देशन देने में शिक्षक की भूमिका का आपको उल्लेख यहाँ पर करना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों सीधे हम पॉइंट्स पर आते हैं। देखिए, छात्रों के साथ संबंध स्थापित करके बाधित बालकों का पता लगाना, छात्रों के अभिभावकों के संपर्क स्थापित करना, छात्रों को पुस्तकालय व सामाजिक संस्थाओं के संपर्क स्थापित कराना। दोस्तों ये सब चीजें, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, जिन छात्रों का साक्षात्कार किया जा चुका है उनकी रिपोर्ट का निर्देशन छात्रों को प्रदान करना, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपका निर्देशन में कक्षा अध्यापकों की भूमिका क्या होती है। वही कक्षा अध्यापक की निर्देशन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कक्षा अध्यापक द्वारा तथा निर्देशन कार्यक्रम के बीच गहरा संबंध है। देखिए दोस्तों हर क्वेश्चन देखिए बनाकर आप पेपर में लिख सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ चीज नहीं जो आपको कुछ अलग चीजें हम बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको दोस्तों हम आपको जरूर बताएंगे। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पर फिर क्या लिखा है आपका, शिक्षक छात्रों का अलग अलग परिस्थितियों में निरीक्षण करता है। तो इसके जैसे पॉइंट ये सब दोस्तों जो रहते हैं इसको आप जरूर पढ़ा करिए। कक्षा में अच्छा व उत्तम वातावरण पैदा करना, अन्य निर्देशनकर्ताओं को सहयोग देना, असमायोजित छात्राओं के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त होना, परामर्श प्रक्रिया का ज्ञान भी कक्षा अध्यापक को होना चाहिए जिससे वह छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श दे सके। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या आता है कि नैदानिक परामर्श से आप क्या समझते हैं ये बताइए। देखिए नैदानिक परामर्श समस्या समाधानात्मक, उपचारात्मक या संकटकालीन परामर्श से ज्यादा कीमती एवं लाभदायक होता है। इस प्रकार के परामर्श द्वारा पर्यावरण
परामर्शदाता पहले से ही ऐसे प्रयत्न करता है कि परामर्श ग्राहियों को संभावित कठिनाइयों या परेशानियों से बचे रहने में सक्षम बनाया जा सके। विद्यार्थियों के दोस्तों स्वास्थ्य ठीक बना रहे, वे निरोग तथा बलशाली बने रहे, उनकी शिक्षा या प्रशिक्षण ठीक प्रकार से चलता रहे, वे ठीक व्यवसायों का चुनाव करके अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करें, इस प्रकार के परामर्श से बालकों को बुरी संगत, बुरी आदतों तथा व्यवहारगत समस्याओं या व्यक्तिगत विकारों से ग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, परामर्शदाता किसे कहते हैं, परामर्शदाता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। परामर्शदाता, देखिए परामर्श देने हेतु तो जिस विशिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उसे हम परामर्शदाता कहते हैं, और इसके गुण दोस्तों देखते हैं। उन्हें उपयुक्त रूप से समझना चाहिए, मतलब समझाना चाहिए कि वे क्या है, उनकी योग्यताएं तथा क्षमताएं क्या है, रुचियां, दृष्टिकोण तथा इच्छाएं और अभिलाषाएं क्या है आदि आदि। उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें इनसे मुक्ति दिलाने की में मतलब सहायता करनी चाहिए। तीसरा दोस्तों बिंदु, उसे कोई ऐसे उपाय बताने चाहिए जिससे मतलब जिनसे उसकी शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए। उन्हें अनेकों अध्यापकों द्वारा सहारा जाए, मतलब सहारा दिया जाए कि अच्छा अच्छा हो रहा है, सराहा जाए तथा कक्षा में उनकी गिनती होशियार बालकों में होनी चाहिए। चौथा बिंदु, अपने साथी विद्यार्थियों में से मतलब उनके संबंधित किस प्रकार मतलब संबंध किस प्रकार से अच्छा रहे, उनके द्वारा उन्हें पर्याप्त सम्मान और समूह में स्थान दिया जाए, इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे पॉइंट आप काफी लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, परामर्श को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्य को आपको लिखना है। या दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, परामर्श के उद्देश्य से को विशिष्ट बालकों के संदर्भ में आप लिखिए। तो पहले परामर्श का अर्थ समझते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए परामर्श एवं इसके अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द काउंसलिंग का शाब्दिक अर्थ होता है सलाह, राय या मशवरा या सुझाव लेना या दोस्तों आपका देना। जब कोई व्यक्तिगत, निजी या पारिवारिक समस्या हमारे सामने आती है तब हम किसी बुजुर्ग तथा समझदार व्यक्ति से परामर्श लेने उसके पास जाते हैं। परामर्श परामर्श लेने और देने वाले के बीच एक ऐसा मतलब अपनी विश्वासपूर्ण, गोपनीय तथा सुरक्षित संबंध है जिसमें परामर्श लेने वाला परामर्श देने वाले के साथ अपनी परेशानियों के बारे में बिना झिझक या डर के चर्चा करता है, अपने उद्देश्यों को सामने रखता है तथा फिर उपयुक्त विचार विमर्श के द्वारा वांछित सामाजिक कौशल अर्जित करता है और इन कौशलों को व्यवहार में लाने की हिम्मत एवं आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा करता है। अब परामर्श का उद्देश्य हम देखेंगे यहाँ पर। परामर्श देने का कार्य परामर्श लेने वाले की परेशानियों या समस्याओं को तुरंत ही अपने आप निपटाना नहीं होता, न ही उसकी समस्याओं के बोझ को अपने आप ढोते रहना होता है। इसका दोस्तों असली प्रयोजन तो उसे सलाह या मशवरों के रूप में ऐसी वैचारिक सहायता तथा भावात्मक, ठीक है ना, सहारा देना होता है जिस पर चलकर वह स्वयं ही अपनी समस्याओं को हल कर सके तथा अपनी कठिनाइयों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त कर सके। अब अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, काफी आप इसमें बना के लिख सकते हैं। फिर परामर्श की दोस्तों आवश्यकता एवं क्षेत्र बताना है। देखिए 2 बार ये प्रश्न आ चुका है, तो परामर्श देखिए काफी क्वेश्चन आ रहे थे तो आप ध्यान में रखिएगा। इसकी आवश्यकता पहले देखते हैं। देखिए यह व्यक्ति को आत्ममूल्यांकन के लिए प्रेरित करता है, छात्रों को सही निर्णय लेने में सहायता करता है, छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, व्यक्तियों में सद्भाव पैदा करता है, शिक्षा अधिकारियों को पाठ्यक्रम में सुधार की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों अब देखते हैं परामर्श के क्षेत्र। परामर्श के क्षेत्र दोस्तों इस प्रकार है, मनोवैज्ञानिक परामर्श, नैदानिक परामर्श, मनोचिकित्सात्मक परामर्श, वैवाहिक परामर्श हो गया दोस्तों, शैक्षिक परामर्श, व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तित्व परामर्श और स्थापन परामर्श। अब इसके दोस्तों परामर्श के प्रकार हम देखते हैं, निर्देशीय परामर्श, अनिर्देशीय परामर्श और संग्रही परामर्श। फिर अगला क्वेश्चन आता है, निर्देशन एवं परामर्श की विधियों का आपको उल्लेख करना है, ठीक है ना। तो कुछ मनोवैज्ञानिक ने इन विधियों को परामर्श तकनीकी तथा उपागमों से शब्द से विभूषित किया है। वास्तव में ये दोनों दोस्तों एक ही होता है, परामर्श देने या लेने के अपने अपने ढंग या तथा तरीके होते हैं तथा इस प्रक्रिया में परामर्शदाता तथा परामर्श लेने वाले की अलग अलग स्थितियां तथा भूमिकाएं होती हैं तथा अपना अपना योगदान रहता है। इन्हीं को परामर्श तकनीकी या उपागमों की संज्ञा दी जाती है। मुख्य रूप से दोस्तों ऐसे 3 उपागमों का विशेष रूप से उल्लेख होता है जो कि ये है। पहला दोस्तों आपका निर्देशात्मक परामर्श, दूसरा अनिर्देशात्मक परामर्श और चौथा है समन्वित परामर्श। तो पहले दोस्तों बात करेंगे निर्देशात्मक परामर्श क्या होता है। जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता द्वारा परामर्श लेने वालों को उसकी समस्याओं को सुलझाने, उसका विकास करने तथा व्यवहार में सुधार लाने जैसी बातों को लेकर उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ऐसे निर्देश दिए जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों परामर्श पूरी तरह से परामर्शदाता केंद्रित ही होता है। दूसरा दोस्तों अनिर्देशात्मक परामर्श,
इस प्रकार के परामर्श का उद्देश्य निर्देशात्मक परामर्श की तरह परामर्शदाता की ओर से परामर्श लेने के निर्देश जारी करके उन पर अमल कराना नहीं होता, बल्कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण तथा तकनीकी का प्रयोग करता है जिससे परामर्शदाता को अपनी राह स्वयं चुनने, उस पर चलने तथा अपनी समस्याओं के निवारण में अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का परामर्श अब परामर्शदाता केंद्रित नहीं रहता बल्कि परामर्श ग्राही केंद्रित बन जाता है। तीसरा दोस्तों बिंदु आता है समन्वित परामर्श। जैसा कि दोस्तों निर्देशात्मक एवं अनिर्देशात्मक परामर्श की प्रक्रिया विशेषताओं तथा कमियों से विदित हो सका है कि स्पष्ट रूप से दोस्तों किसी एक प्रकार की परामर्श प्रक्रिया का अनुपालन करना सभी तरह की मतलब स्थितियों में हर समय उपयुक्त नहीं रह सकता। पूरी तरह से दोस्तों परामर्शदाता केंद्रित या परामर्शग्राही केंद्रित बनाकर परामर्श प्रक्रिया को संगठित करना इस दृष्टि से कभी भी उपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों, आप ऐसे इसको बनाकर लिख सकते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है कि परामर्श के प्रकार को आपको लिखना है। यह नैदानिक परामर्श से आप क्या समझते हैं, आप ये बताइए। पहले दो देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। अध्यापकों तथा प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा विद्यालय में विद्यार्थियों को उनके कल्याण हेतु कई प्रकार का परामर्श उनके समस्याओं आवश्यकताओं तथा परिस्थिति विशेष के संदर्भ में दिया जाता रहता है। मुख्य रूप से दोस्तों इस प्रकार के परामर्श के अग्र चार रूप या प्रकार हो सकते हैं। पहला दोस्तों होगा आपका संकटकालीन परामर्श। ठीक है ना दोस्तों, इसमें आप बना के बढ़िया लिख सकते हैं संकट काल में क्या करना है आपको दोस्तों। फिर आपका आता है उपचारात्मक परामर्श, क्या हो सकता है दोस्तों उपचार के लिए। तीसरा दोस्तों आपका नैदानिक परामर्श। देखिए यह कहा जाता है कि समस्या या रोग की रोकथाम या निवारण उससे ग्रस्त हो जाने पर उसका समाधान खोजने या उपचार करने से अधिक उपयुक्त तो दोस्तों एवं लाभप्रद होता है। ठीक है ना, ऐसे आप इसमें लिख सकते हैं। फिर दोस्तों बारी आती है आपके रचनात्मक परामर्श। इस प्रकार के परामर्श की दिशा दोस्तों पूरी तरह से रचनात्मक एवं सकारात्मक होती है। इसमें विद्यार्थी को अपनी योग्यता तथा शक्तियों के अधिक से अधिक विकास हेतु उचित सहायता दी जाती है तथा उसकी रचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्तियों के पोषण एवं पल्लवन हेतु उनमें विशेष प्रकार की समझ तथा सोच विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं कि परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं का उल्लेख आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपका आता है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी सेंटर ऑफ यूपी। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में इलाहाबाद में 1947 ईस्वी में की गई, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की इकाई मनोविज्ञान और दोस्तों निर्देशन विभाग ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है कि मनोविज्ञान स्थापना का उद्देश्य क्या क्या है। देखिए, विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्श देना, शिक्षकों को मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देकर बच्चों को समझाने की क्षमता का विकास करना, शिक्षकों उपयोगी मनोविज्ञान ठीक है ना वैज्ञानिक प्रयोग व अनुसंधान कराना, शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों का आयोजन करना, सेवा योजकों के चयन में मनोविज्ञान परामर्श व सहायता देना। ठीक है ना, फिर दोस्तों दूसरी बारी आती है आपकी मंडली मनोविज्ञान केंद्र। तो ये दोस्तों आपका होता है रीजनल साइकोलॉजी सेंटर। मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रवेश के 10 मंडलों में मंडली मनोवैज्ञानिक केंद्र मेरठ, बरेली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, झांसी, मुरादाबाद तथा उत्तराखंड के 2 मंडलों में खोला खोला मतलब रखा है। राज्य के कुछ जनपदों में राजकीय इंटर कॉलेजों में भी दोस्तों मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान करते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के प्रमुख कार्यों को आपको लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार आपका आ चुका है, ठीक है ना, पेपर में ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसके दोस्तों जो कार्य निम्नलिखित है, पहला निर्देशन होता है, ठीक है ना, और निर्देशन आपका क्या है, ये आपका निम्न प्रकार से होता है, शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत, बाल निर्देशन, 10 वर्ष से कम आयु के, व्यवसायिक निर्देशन। दूसरा दोस्तों इसका काम है प्रशिक्षण देना। निर्देशन सेवाओं के लिए दोस्तों उपयुक्त मनोवैज्ञानिकों को तैयार करने हेतु सत्रीय कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें प्रवेश हेतु अर्हता एमए मनोविज्ञान अथवा ठीक है दोस्तों एमएड या एमए शिक्षा शास्त्र है। फिर दोस्तों बारी आती है आपकी शोध कार्य की। मनोविज्ञान शाला मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए दोस्तों परीक्षण निर्माण, अनुशीलन तथा मानकीकरण का कार्य करती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों हेतु उपकरण प्रश्नावली तथा परीक्षण उपकरण टूल का निर्माण करती है दोस्तों, जैसे आपका भाटिया परीक्षण टेस्ट हो गया, रोसा परीक्षण आदि। फिर अगला दोस्तों आपका आता है जिला चिकित्सालय। देखिए सरकार ने प्रत्येक जिले में जिला चिकित्सालय की स्थापना की है। ये चिकित्सालय समय समय पर छात्रों की विशिष्ट बीमारियों का इलाज कर उन्हें एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का परामर्श देते हैं। ठीक ना दोस्तों, देखिए जिला चिकित्सालय में जिन रोगों का निदान संभव है वे निम्नलिखित है। पहला दोस्तों आपका जैसे आता है श्रवण दोष हो गया, वाक दोष हो गया, दृष्टि दोष हो गया, अस्थि दोष हो गया, चर्म रोग हो गया और अनुवांशिक रोग आदि। फिर दोस्तों अगली बारी आती है आपको जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार द्वारा निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा सन 1987
रांची में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जहाँ दोस्तों आप लोग होता है ना सरकारी कॉलेज, वही डायट की दोस्तों यहाँ पर आपकी नींव रखी गई, इसके बारे में दोस्तों आप बना के लिख सकते हैं, और कुछ है नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपकी सरकारी व गैर सरकारी संगठनों का परामर्श में योगदान, ये आप लिख सकते हैं बनाकर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निर्देशन और परामर्श के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका आपको बतानी है। देखिए इस प्रकार अनेक गैर सरकारी संगठन है जिन्हें एनजीओ दोस्तों नाम से आपको लोग पता जाना जाता है। ये बालक के लिए विशेषता अभावग्रस्त बालकों के लिए दोस्तों अनेक योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं। मातृ छाया, आयुष्मान आदि गैर सरकारी संगठन विशिष्ट बालकों की समस्याओं के समाधान हेतु अनेक कार्यक्रम चलाकर उनका निदान कर रहे हैं। गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से दोस्तों बालकों का निदानात्मक उपचार भी किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या, परामर्शदाता किसे कहते हैं, परामर्शदाता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि परामर्शदाता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। परामर्शदाता, पहले परामर्श देने हेतु जिस विशिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, परामर्शदाता। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे आपके परामर्शदाता के गुण क्या होते हैं। तो देखिए उसे उन्हें उपयुक्त रूप से समझाना चाहिए कि वे क्या हैं, उनकी योग्यताएं तथा क्षमताएं क्या है, रुचियां, दृष्टिकोण तथा इच्छाएं और अभिलाषाएं क्या है आदि आदि। तो उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें इनसे मुक्ति दिलाने में उनकी सहायता करनी चाहिए। उसे कोई ऐसे उपाय बताने चाहिए जिससे कि उसकी शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए। उन्हें अनेकों अध्यापकों द्वारा सलाह मतलब सराहा जाए तथा कक्षा में उनकी गिनती होशियार बालकों में हो। तो दोस्तों अभी हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया था परामर्शदाता के गुण। अब दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे निरीक्षण के उद्देश्य आपको बताने कि इसके क्या उद्देश्य होते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, निरीक्षक का उद्देश्य होता है अध्यापकों की कमियों का ध्यान रखते हुए उनका निराकरण, उनके मतलब उन्हें अच्छा शिक्षक बनाना। निरीक्षक अध्यापक को मार्गदर्शन देने का कार्य भी करता है। निरीक्षक के द्वारा अध्यापक में विद्यमान क्षमताओं की जानकारी हो जाती है। फिर दोस्तों देखिए निरीक्षण के द्वारा उन परिस्थितियों का भी ज्ञान किया जाता है जो बच्चों को सीखने हेतु प्रेरित करते हैं। निरीक्षण के द्वारा अध्यापक व छात्रों की समस्याओं का निदान किया जा सकता है। वैसे दोस्तों बनाकर आप काफी पॉइंट लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों की आपको भूमिका बतानी है। अनेक दोस्तों गैर सरकारी संगठन है जिनको दोस्तों एनजीओ के नाम से जाना जाता है। ये बालक के लिए विशेषता अभावग्रस्त बालकों के लिए दोस्तों अनेक योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं। मातृ छाया, आयुष्मान आदि गैर सरकारी दोस्तों संगठन विशिष्ट बालकों की समस्याओं के समाधान हेतु अनेक कार्यक्रम चलाकर उनका निदान कर रहे हैं। गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से बालकों का निदानात्मक उपचार भी किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि बालकों के सीखने में निर्देशन एवं परामर्श के महत्व को आपको समझाना। देखिए क्वेश्चन भी डीएलएड में आ चुका है। तो जब बालक अधिगम में असमर्थता का महसूस करता है तो वह दूसरे व्यक्ति से परामर्श एवं निर्देशन चाहता है जिससे कि वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सके। बालक की क्रिया अनेक भागों में विभाजित होती है, वह अपने जीवन को ढालना चाहता है। यदि उसे अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अन्यथा वह विफल हो सकता है। देखिए शैक्षिक निर्देशन का महत्व क्या है। निर्देशन एक मानवीय कार्य है। निर्देशन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं, जन्मजात क्षमताओं, योग्यताओं तथा रुचि का ध्यान रखा जाता है। जन्मजात योग्यताएं सामान्य होती हैं, विशेष योग्यताएं व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर विकसित होती हैं। देखिए शैक्षिक निर्देशन छात्रों को दी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवा है। इसके द्वारा मतलब छात्र अपने भविष्य का नियोजन करते हैं। देखिए दोस्तों शैक्षिक मार्ग में मतलब दर्शन का महत्व इस प्रकार है। देखिए शैक्षिक मार्गदर्शन अथवा निर्देशन द्वारा व्यक्तिगत भेदों की जानकारी के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। पाठ्य विषयों के चयन में सहायता मिलती है। विद्यालय की व्यवस्था में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम में संगठित करने में सहायक है। विभिन्न शिक्षण विधियों के चयन में सहायक होता है। वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायक है। अनुशासन बनाने रखने में सहायक है। बाकी दोस्तों आप बनाकर लिख सकते हैं। फिर अगला इसमें देखते हैं, देखिए निर्देशन एवं परामर्श को एक समान माना जाता है। इसमें घनिष्ठ मतलब संबंध होते हुए भी बहुत ही अंतर है। निर्देशन व्यापक क्रिया है, परामर्श निर्देशन एक विधि है। इसे निर्देशन के बाद दी जाने वाली सलाह भी कहा जाता है। ठीक ना, परामर्श का निम्नलिखित महत्व होता है। तो पहले परामर्शदाता या उपबोध्य जिसे परामर्श दिया जाना है के बारे में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं को ऐसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है कि वह सब तथ्यों को जानने के पश्चात अपने संबंध में उठने वाली तमाम समस्याओं का निवारण करते हुए स्वनिर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बालकों को अपने संबंध में अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं की जानकारी मिल जाती है। तीसरा पॉइंट, बालक अपनी समस्याओं से संबंधित वातावरणीय परिस्थितियों से अवगत हो जाता है तथा उन परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालता है। चौथा बिंदु, समस्याओं के समाधान से उपबोध्य की सभी शंकाएं दूर हो जाती है। पांचवा बिंदु, समस्याओं के समाधान हेतु स्व निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। फिर दोस्तों
अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्देशन तथा परामर्श की क्या आवश्यकता है। देखिए विद्यालयों में मार्गदर्शन निम्नलिखित बातों के लिए आवश्यक होता है। पहला दोस्तों बिंदु आता है शिक्षा संबंधी आवश्यकता। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशनल नीड क्या है? शिक्षा प्राप्त करते समय विद्यार्थियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे विषयों या कोर्सों को दोस्तों चुनना, उचित पुस्तकों को चुनना, रोचक कार्यों तथा पाठ्य सहायक क्रियाओं को चुनना, अपने लेख उच्चारण तथा अध्ययन आदतों को सुधारने के लिए भी उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सीखने की प्रक्रिया में तथा विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में भी उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट दूसरा आता हमारा कि व्यावसायिक आवश्यकता। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों को भविष्य में अपनी रोजी कमाने के योग्य बनाना है। उनके द्वारा दोस्तों भविष्य में कई व्यवसायों को अपनाया जा सकता है। इन व्यवसायों तथा अवसरों की जानकारी व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय साधनों की अधिकतम उपयोगिता के लिए दोस्तों अत्यंत आवश्यक है। मार्गदर्शन व्यवसायिक सूचना प्रदान करके हमारी इस दिशा में बहुत सहायता करता है। प्रत्येक व्यक्ति हर प्रकार का काम नहीं कर सकता है, उसे अपनी योग्यताओं तथा शक्तियों के अनुकूल काम चुनने के लिए दोस्तों उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए, ठीक है ना। फिर तीसरा पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, व्यक्तिगत तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या है? बच्चों के व्यक्तिगत तथा मनोवैज्ञानिक समायोजन के लिए मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। उनके उचित विकास तथा जीवन में उनकी सफलता के लिए उनका भावात्मक तथा सामाजिक समायोजन अत्यंत आवश्यक है। कुसमायोजन से कई गंभीर समस्याएं पैदा होती है। इससे बच्चों में कई प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं, अतः बच्चों को मानसिक उलझनों, तनावों तथा चिंताओं से मुक्त करने के लिए दोस्तों मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगला प्रश्न क्या, बाल अधिगम निर्देशन का महत्व बताना या बाल अधिगम निर्देशन एवं परामर्श का महत्व बताइए। बालकों के सीखने में निर्देशन तथा परामर्श के महत्व को समझाइए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन तीन तरह से आपका पूछा गया पेपर में, तो इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इसको घुमा घुमा कर आपसे पूछ सकता है, तो आप तैयार रहिए इसको लिखने के लिए और इसका उत्तर हम देखते हैं। पहले दोस्तों निर्देशन का महत्व देखते हैं। शैक्षिक मार्गदर्शन अथवा निर्देशन द्वारा व्यक्तिगत भेदों की जानकारी के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। पाठ्य विषयों के चयन में सहायता मिलती है। विद्यालय की व्यवस्था में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम को संगठित करने में सहायक है। विभिन्न शिक्षण विधियों के चयन में सहायक है। फिर दोस्तों इसका महत्व क्या होता है परामर्श का, इसको देखते हैं। जैसे दोस्तों अभी हमने देखा था कि परामर्शदाता या उपबोध जिसे परामर्श दिया जाना है के बारे में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं को ऐसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है कि वह सब तथ्यों को जानने के पश्चात अपने संबंध में उठने वाली तमाम समस्याओं का निवारण करते हुए स्व निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, बालकों को अपने संबंध में अपनी क्षमताओं तथा एवं योग्यताओं की जानकारी मिल जाती है। तीसरा बिंदु, बालक अपनी समस्याओं से संबंधित वातावरणीय परिस्थितियों से अवगत हो जाता है तथा उन परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालता है। चौथा बिंदु, समस्याओं के समाधान से उपबोध्य की सभी शंकाएं दूर हो जाती है। पांचवा, समस्या के समाधान हेतु स्व निर्णय लेने में सक्षम होता है। बालक अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। मन बुद्धि बालकों को शिक्षित करने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निर्देशन एवं परामर्श में आपको अंतर यहाँ पर लिखना है। देखिए निर्देशन एवं परामर्श में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी बहुत अंतर है। हम्फ्रीज एवं टेक्सलर के अनुसार निर्देशन एवं परामर्श दोनों एक कार्थवाची शब्द नहीं है। निर्देशन में परामर्श सम्मिलित है। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। एबिंसन के अनुसार परामर्श दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। निर्देशन संसार की प्राचीनतम प्रणाली है जिसके अनुसार अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभवों का लाभ दूसरों को देकर उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा कि पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, इसको आपको स्पष्ट करना है। पर्यवेक्षण की आवश्यकता, तो देखिए पर्यवेक्षण की आवश्यकता अग्र कारणों से। पहला दूसरा बिंदु क्या रहा है, यह विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद देता है। दूसरा बिंदु, कुछ अध्यापकों व मुख्य अध्यापकों को अपनी गतिविधियों का कुशलतापूर्वक संचालन करने हेतु मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। पर्यवेक्षण इसकी पूर्ति करता है। तीसरा दोस्तों बिंदु, किसी भी व्यक्ति को यदि पर्यवेक्षण का पता है तो वह अपने कार्य को सही ढंग से करेगा, अतः पर्यवेक्षण व्यक्ति को अनुप्रेरित करने हेतु आवश्यक है। चौथा बिंदु, पर्यवेक्षण के द्वारा अध्यापक व मुख्य अध्यापक को अपने ज्ञान का नवीनीकरण करने में मदद मिलती है। पांचवा बिंदु, पर्यवेक्षण के द्वारा विभिन्न स्थलों में स्थित विद्यालयों में संपर्क स्थापित किया जा सकता है। छठा बिंदु, विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु पर्यवेक्षण भी जरूरी होता है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए ताकि दोस्तों वो भी अच्छे से पढ़ सके। और दोस्तों हाँ, अभी तक दोस्तों इतने आपने मतलब इस वीडियो के पार्ट वन नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा, वीडियो का खत्म हो रही है। तो पार्ट वन में दोस्तों आपके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न है, पार्ट टू में दोस्तों हमने सारे अति लघु त्रिविध प्रश्न को डिस्कस किया है, और दोस्तों पार्ट थ्री तो आपने अभी देख ही लिया।
तो ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट आपको पेपर के लिए, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।